أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13 पढ़ी गई है और यहाँ से इंशाअल्लाह आज की तफसीर का सबक शुरू हो रहा है। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, इसके नीचे उन्वान लिखे तमर्रुद कुफ़ार। तमर्रुद, तमर्रुद किसको कहते हैं? सरकशी को, तुगयान को। काफिरों की सरकशी अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, फरमाए वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, और कहा काफिरों ने अपने पैगंबरों से लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें निकाल देंगे अपनी इस सरज़मीन से, अपने मुल्क और अपने इलाके से हम तुम्हें निकाल देंगे। औलतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या फिर यह है कि तुम लौट आओ हमारे इस तरीक़े में, यानि शिर्क के तरीक़े में दोबारा वापस आ जाओ। ये इश्काल पहले भी आ चुका है कि आऊद, लौटना उस फ़ैल को कहा जाता है जिसमें इंसान एक दफ़ा होकर आया हो, उसको आऊद कहते हैं ना। जैसे कहा जाए भाई चीठी के वापस घर आ जाओ, तो मतलब निकला भी घर से था, उसी घर वापस आ जाए। तो नऊज़ु बिल्लाह, किसी पैगंबर पर शिर्क का मामूली सा लम्हा भी नहीं गुजर सकता। तो इन्होंने कैसे कहा पैगंबरों से कि तुम हमारे तरीक़े में वापस आ जाओ? एक जवाब तो इसका यही है कि लतऊदुन्ना आई लतुसीरन्ना, आई लतुसीरन्ना, तुम क्या करो, तुम हो जाओ, तुम इख्तियार कर लो हमारे तरीक़े को, तो लतुसीरन्ना होगा। दूसरा जवाब यह है कि नबूवत मिलने से पहले नबी खामोश रहते हैं। क्या रहते हैं? खामोश। तो काफिर ये समझते हैं कि ये हमारे मजहब और तरीके पर है। समझ में आ गई? फ़ाउहा इलैहिम रब्बुहुम, लिखे तसल्ली अंबिया, तो उनकी तरफ वही भेजी उनकी रब ने। जब उन्होंने पैगंबरों को धमकी दी तो अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों की तरफ वही भेजी, लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, हम ज़रूर भी ज़रूर हलाक कर देंगे इन ज़ालिमों को। وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, और हम तुम्हें बसा देंगे, बसाएंगे यानी तुम्हें रिहाइश दे देंगे। الْأَرْضَ इस मुल्क में, مِنْ بَعْدِهِمْ اَيْ مِنْ بَعْدِ هَلَاكِهِمْ, इन काफिरों को हलाक करने के बाद तुम्हें बसा देंगे। ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي, ذَلِكَ के नीचे लिखे ये वादा निजात, ये वादा निजात लेमन, उस शख्स के लिए है, खाफ मकामी, जो डरा हमारे मेरे सामने पेशी से। मकामी पेशी को कहते हैं, जो अल्लाह के सामने पेश होने से डरा। वखाफ वाईद, और जो डरा मेरी धमकी से। वस्तफ्तहू, लिखे इनाद कौम, वस्तफ्तहू, और फतह तलब की। अब यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, वस्तफ्तहू फतह तलब की अल्लाह पाक से, अब किसने तलब की? इसमें दोनों इहतमालात हैं। एक कौल यह है कि वस्तफ्तहू की ज़मीर का मर्जा कौन है? कुफ्फार है। कुफ्फार क्या मतलब? जब पैगंबर और कुफ्फार कौम में बहस होती और ये वक्त गुजर जाता तो काफिर कहते जज्बात में आकर कि ए अल्लाह अब आप फैसला फरमा दे हम में। ये कौन कहते? काफिर कहते कि हम में से कौन हक पर है कौन ना हक है, फैसला फरमा दें। तो जब फस्तफ्तहू, काफिरों ने ही खुद अल्लाह से फतह तलब की कि जो सच्चा है वो कामयाब हो जाए, तो नतीजा क्या हुआ? वखाब कुल्लु जब्बारिन आनी, तबाह हो गया हर सरकश जिद्दी, हर सरकश जिद्दी क्या हो गया? हलाक हो गया। दूसरा कौल यह है
कि वस्तफ्तहू की ज़मीर का मर्जा अंबिया है, अंबिया, और अंबिया ने तंग आकर अल्लाह पाक से फतह तलब की कि अल्लाह ये तो नहीं मान रहे, तंग करते हैं, आप फैसला फरमा दे फतह का। तो जब उन्होंने मांगा तो वखाब कुल्लु जब्बारिन आनीद, हर सरकश जिद्दी तबाह हो गया। समझ में आ गई बात दोस्तों? मिन वराइही जहन्नम व युस्का, लिखे आशिये पर ये तख़वीफ़ उखरवी है। ये क्या है? तख़वीफ़ उखरवी है और वाक़िया नंबर दो है। फरमाते हैं मिन वराइही जहन्नम, और इसके पीछे फिर जहन्नम है। ये तो दुनिया में इन पर हलाकत आ गई ना, हलाक हो गए, तबाह हो गए, और फिर इसके पीछे यानी इसके बाद आगे क्या आ रही है? जहन्नम आ रही है। वयुस्का मिन माइन सदीद, और उन्हें पिलाया जाएगा पीप मिला हुआ पानी। सदीद कहते हैं पीप को, पीप, ऐसा पानी पिलाया जाएगा जिसमें पीप मिली हुई होगी। ये तजर्रुहू, उसको घूंट घूंट पिएंगे। क्या करेंगे? उसको घूंट घूंट पिएंगे। वला यकादु युसीगुहू, लेकिन आसानी से नहीं निगल सकेंगे, आसानी से नहीं, निगल नहीं सकेंगे, उतार नहीं सकेंगे। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन, और आएंगे उनके पास मौत के असबाब हर तरफ से। मौत के असबाब तो हर तरफ से होंगे, लेकिन वमा हुआ बिमैत, उन पर मौत नहीं आएगी। मांगेंगे मौत को, असबाब मौत होंगे, लेकिन मौत उन पर नहीं आएगी। वमिन वराइही अज़ाबुन ग़लीज़, और उसके बाद तो अज़ाबुन ग़लीज़, सख्त अज़ाब होगा। उस्ताद साहब तर्जुमा फरमाते हैं उसके बाद अज़ाब बढ़ता ही रहेगा। उसके बाद अजाब, यानी इन पर दुनिया में जो पकड़ शुरू हो जाएगी ना, तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। दुनिया की पकड़ के बाद ज़्यादा सख्त पकड़ कब्र की, उसके बाद फिर आखिरत की, उसके बाद फिर जहन्नम की, और फिर जहन्नम में तो वहाँ लुम मजर्रा, सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। मसलुल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम आमालुहुम, लिखे हब्ते आमाल कुफार व इजाला शुबह, व इजाले शुबह। देखे शुबह ये होता था कि इन काफिरों पर ऐसी हलाकत आ रही है, तो ये काफिर भी तो दुनिया में कुछ अच्छे काम कर जाते हैं। बस काफिर एनजीओज आजकल बनी हुई है, पानी की मशीनें लगाते हैं और लोगों को घर बना के देते हैं, अस्पताल है, चैरिटी फंड्स हैं, तो ये तो अच्छे काम तो इन्होंने भी कुछ किए हुए। तो अल्लाह पाक ने इस शुबे का इजाला किया। फरमाए मसलुल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने इनकार किया अपने रब का। अमालुहुम, इससे पहले मसलु आएगा, आई मसलु अमालिहिम, ऐसे काफिरों के अमाल की मिसाल ऐसी है। करमा दिन इश्तद्दत बिहिर रीहु, जैसे कि वो राख, राख जानते, राख जानते हैं ना, कागज़ या किसी को जला दे तो राख रह जाती है, जैसे वो राख। इश्तद्दत बिहिर रीहु, जिसे हवा उड़ा दे। फी यौमिन आसिफ, तेज आंधी वाले दिन में, तो उस राख का क्या पता चलेगा कहाँ चली गई। ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू आला शय, लिहाजा ये काफिर कुदरत नहीं रखेंगे अपने किए हुए पर कुछ भी, ये कोई कुदरत नहीं रखेंगे। क़यामत के दिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईमान लाए बग़ैर जो कुछ किया उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो तो सब हवा में उड़ गया, ख़त्म हो गया। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, यही दूर की गुमराही है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, लिखे दलील अक्ली नंबर दो। तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं देखते कि बेशक अल्लाह पाक ने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को बिल हक़, बाकायदा, बाकायदा यानि मुस्तकिल अल्लाह पाक ने बनाया है। इन यशा युज़हिबकुम, लिखे वाकया नंबर तीन।
व तख़फ़ीफ़ दुनियावी नंबर दो, अगर अल्लाह चाहे युज़हिब कुम, तुम्हें ले जाए, इस दुनिया से ले जाए, मौत दे दे, ख़त्म कर दे, वयाति बिखल्क़िन जदीद, और ले आए नई मखलूक को, तुम कोई ज़रूरी हर्फ आखिर थोड़ी हो अल्लाह पाक के लिए, और ले आए अल्लाह पाक किसी नई मखलूक को, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ऐसा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अज़ीज़ मुश्किल। वबरज़ुलिल्लाहि जमीअ, लिखे वाक़िया नंबर चार, व तख़वीफ़ उख़रवी नंबर दो, समझ गए। वबरज़ू, बरज़ू का तर्जुमा लिखे और पेश होंगे अल्लाह के सामने, जमीअन सब के सब, सब अल्लाह के सामने पेश होंगे, जमीअन पर हाशिए में लिखे यानि ताबईन व मतबूईन। ताबईन किसको कहते हैं, जो पीछे चलते हैं, मतबू जो आगे होता है। तो खुलासा ये कि कायद और कायद के मुत्तबईन सब एक साथ होंगे। फ़क़ाला ज़ुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, तो कहेंगे ये कमज़ोर लोग, ज़ुआफ़ा के नीचे लिखे ताबईन, ये कमज़ोर कहेंगे, लिल्लज़ीना उनसे, इस्तकबरू जिन्होंने तकब्बुर किया, लिखे मतबूईन। तो ताबईन अपने मतबूईन से कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबा, हमने तो तुम्हारी पैरवी की, तुम्हारे पीछे चले, फालन तुम मुगनूना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, क्या तुम हमसे दूर कर सकते हो अल्लाह के अजाब में से, मिन शै इन कुछ भी, कुछ ताउन कर सकते हो आज। कालू, लिखे जवाब मतबूईन, मतबू कहेंगे लौहदानल्लाहु, अगर अल्लाह हमें हिदायत देते, यानी अगर हमें हिदायत नसीब होती, लहदैनाकुम, तो हम भी तुम्हें बता देते, हम खुद महरूम थे तो तुम्हें कहाँ से हिदायत और रहनुमाई देते, लेकिन हम खड़े हो गए और तुम लोगों ने कहा कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद, तुमने हमें बड़ा बना लिया। तो अगर अल्लाह हमें हिदायत देते, क्या मतलब, हदाना का मतलब लिखें, अगर अल्लाह हमें निजात का रास्ता बताते तो लहदैनाकुम, तो हम भी तुम्हें बता देते। सवाउन अलैना, फिर कहेंगे बराबर हैं हम सब के लिए, अजज़िअना हम सबरना, ख्वा हम जज़ा फज़ा करें या हम सबर करें, अब कोई फ़र्क नहीं है, तुम चीखो चिल्लाओ या खामोश रहो, मालना मिन महीस, हमारे लिए बचने की कोई जगह नहीं, छुटकारा कोई नहीं हमारे लिए। वक़ाल शैतानो, अब ये तो वो दुनिया के मतबूईन और कायदीन ये कहेंगे, लेकिन फिर इन कायदीन के ऊपर एक बड़ा कायद है जो शैतान है ना, तो वक़ाल शैतान, इस पर हाशिए में उस्ताद साहब ने रब्त लिखवाया है, आपके पास भी होगा, कि न गुरु काम आएंगे न गुरु घंटाल काम आएंगे, न गुरु काम आएंगे, गुरु जो होता है ये ज़रा निगरान जिम्मेदार बड़े को कहते हैं, और एक गुरु घंटाल होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो गोया अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि न ये गुरु तुम्हारे काम आएंगे और न गुरु घंटाल। वक़ाल शैतान, लिखे शैतान का लेक्चर, शैतान कहेगा लम्मा कुजियल अमरो, जब तमाम मुकदमात के फैसले हो जाएंगे, अब जब सारे फैसले हो जाएंगे ना काफिर जहन्नम में, तो शैतान कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक्के, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया सच्चा वादा, ववअदतुकुम फाखलफतुकुम, और मैंने जो तुमसे वादा किया तो मैंने खिलाफ किया, मैंने उसके क्या किया, बरखिलाफ किया, मैं तो झूठ बोला था, वमा काना ली अलैकुम मिन सुल्तानिन, और बाकी तुम मुझे कसूरवार नहीं कह सकते, क्यों, वमा काना लिया अलैकुम, नहीं था मेरे लिए तुम पर मिन सुल्तान इन कोई जोर, क्या ऐसा हुआ कि मैंने आके तुम्हें हाथ से पकड़ा हो, पैर से खींचा हो, कि नहीं जी जाना है, ये गलत काम करना है, ये तो नहीं हुआ, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, इल्ला अन दाउतुकुम, दाउतुकुम के नीचे लिख के इला जलाल, मगर ये कि मैंने तुम्हें बुलाया गुमराही की तरफ, गुमराही की तरफ मैंने तुम्हें बुलाया, फस्त जब तुम ली, तुमने मेरी बात मान ली,
इसके नीचे लिख के अपने इख्तियार से, अपने इख्तियार से मेरी बात मान ली। फला तलूमूनी, बस मुझे मलामत मत करो। इसके नीचे लिख के कुल्लन, कोई भी अब मुझे मलामत न करे। वलूमू अनफुसकुम, बल्कि अपने ही नफ्स को मलामत करो। मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया, न मैं तुम्हारी मदद करने पे कादिर हूँ, न तुम मेरी मदद कर सकते हो। आज सब बेबसी जाहिर हो गई। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया, न तुम मेरी मदद कर सकते हो। इन्नी कफर तो बिमा अशरक तुमूनी मिन कबल, बेशक मैंने इनकार कर दिया जो तुमने मुझे शरीक ठहराया था। मिन कबलो, इससे पहले। मिन कबलो के नीचे लिखे फिद दुनिया, मैंने इनकार किया। बिमा अशरक तुमूनी, जो तुमने मुझे शरीक ठहराया था अल्लाह के साथ। मकसद ये है कि शैतान को तो खैर कोई अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता, लेकिन शैतान के कहने में आकर दूसरी चीज़ों को अल्लाह के साथ शरीक करता है। इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। वउदखिला अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए जन्नातिन, ऐसे बागात में। तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, और उन जन्नतियों का तोहफा, तहिया, उन जन्नतियों का तोहफा, एक तर्जुमा है मुलाकात का जुमला। फ़ीहा, उस जन्नत में वो क्या होगा? सलामुन, हर तरफ से सलाम की आवाज़ आ रही होगी। समझ में आ गए? जहाँ दो आपस में मिलेंगे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, एक माहौल होगा। अलम तरा कई फ़ज़रबल्लाहु मसलन, लिखे तमसील तौहीद, तमसील तौहीद की एक मिसाल अल्लाह पाक ने दी। अलम तरा, तरा के नीचे लिखे तअलम, क्या तुम नहीं जानते? कई फ़ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा, कैसे अल्लाह पाक ने बयान की, ज़रबा के माने बयान करना, कैसे अल्लाह पाक ने बयान की मिसाल, कलिमतन तय्यबा, एक पाकीज़ा कलमे की, एक पाकीज़ा, पाकीज़ा कलमे की, यानी कलमा तय्यबा मुराद है इससे दोस्तों। जो कलमा तौहीद है ना, वो मुराद है। अल्लाह ने कलमा तय्यबा की मिसाल पेश की। कशजरतिन, कशजरतिन से पहले महजूफ निकाले हिया, हिया, कि वो कलमा तय्यबा ऐसा है, कशजरतिन, जैसे कि वो दरख्त तय्यबा, जो कि पाक दरख्त है, जो कि क्या है? पाक दरख्त है। लिखे खजूर का दरख्त, इससे मुराद कौन सा दरख्त है? खजूर का दरख्त। असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत है। वफरुहा फिस्समा, और जिसकी शाखें, फी, फी के नीचे लिखे इला, शाखें आसमान की तरफ है, यानी बुलंदी में, किसमें? तो खजूर का दरख्त, इसकी जड़ मजबूत होती है, इसकी शाखें फैलती चली जाती है। इसी तरह कलमाए ईमान जो है, इसकी जड़ मजबूत है, और इसके आमाल की शाखें इंसान जितनी मेहनत करे वो फैलती चली जाती है। तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, वो देता है अपना फल। ये दरख्त जो खजूर का है, तुती, ये दरख्त देता है उकुलहा, अपना फल, कुल हीनिन, हर फसल में। बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से। वयज़रिबुल्लाहु अल-अम्थाल लिन्नास, अल्लाह ताला मिसालें बयान करते हैं लोगों के लिए। लअल्लहुम यतज़क्करून, लिखे हिकमत तमसील, हिकमत, ताकि ये लोग नसीहत हासिल कर लें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, अब दूसरी मिसाल, और मिसाल कलमे खबीसा की, नीचे लिख के शिर्क, शिर्क वाले कलमे की मिसाल ऐसी है। कशजरतिन खबीसा, जैसे कि वो दरख्त जो कि खबीस है, नापाक है। इसके नीचे लिख के हंजल,
حانون زوان لام, یہ حنزل کا ایک درخت ہوتا ہے, اس کو اردو میں اندرائن کہتے ہیں. اندرائن نہایت ہی کڑوے قسم کا پھل ہوتا ہے, اس کا کڑوا, اندرائن کہتے ہیں اس کو. تو فرمائے کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث شجرہ کی طرح ہے کہ اجتثت من فوق الارض, جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے, ما لہا من قرار, اور اس کے لیے مضبوطی نہیں ہوتی. اس کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے, کوئی جماؤ نہیں ہوتا, کوئی مضبوطی نہیں ہوتی اس کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, لکھے کلمہ طیبہ کا ثمرہ و انجام موحدین, و انجام موحدین. فرمایا اللہ پاک مضبوط کرتے ہیں ایمان والوں کو. یثبتو, ثابت قدم رکھنا, مضبوط کرنا. اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں ایمان والوں کو بالقول الثابت, مضبوط کلمے کے ساتھ. قول الثابتی کے نیچے لکھیں کلمہ طیبہ کی برکت سے ایمان والے مضبوط رہتے ہیں. بالقول الثابت, کلمہ طیبہ کی برکت سے. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کے نیچے لکھ کے حشر و قبر میں, حشر و قبر میں. تو کلمہ طیبہ کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, حشر میں بھی ہے. وَيُظِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, لکھے کلمہ خبیثہ کا ثمرہ. یہ جو شرک والا کلمہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَيُظِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ پاک گمراہ کریں گے ظلم کرنے والوں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ, لکھے واقعہ نمبر پانچ, والتخویف اخروی نمبر تین. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, بدلوا نعمت اللہ کفرا, کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفرن, کس کے اندر؟ کفر میں, ناشکری کے اندر. لکھے اہل مکہ کی ناشکری, اہل مکہ کی ناشکری. اور بدلو کے نیچے لکھے جرم اول ضلال, زواد کے ساتھ, زواد, ضلال. ضلال کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کو کہتے ہیں ضلال, ضلال. وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, اور اتار دیا اپنی قوم کو بھی ہلاکت کی جگہ پر. دار البوار, بوار کہتے ہیں ہلاکت کو. احلو کے معنی پہنچانا, اتار دینا. تو ان کافروں نے کیا کیا, خود بھی محروم ہوئے, کفر میں گر گئے, اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کی جگہ میں گرا دیا. احلو کے نیچے لکھے جرم دوم اضلال, الف زواد لام الف لام, اضلال. تو ضلال کہتے ہیں خود گمراہ ہونا, اضلال دوسرے کو گمراہ کرنا. تو اہل مکہ نے ناشکری کی, اللہ نے ان کی طرف آخری پیغمبر کو بھیجا تو ایمان کی نعمت کو ضائع کر دیا, خود بھی محروم ہو گئے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ نہیں جاؤ, نہیں جاؤ. سمجھ میں آ گئے؟ تو اپنی قوم کو اتار دیا دار البوار, ہلاکت کی جگہ میں. وہ جگہ کیا ہے؟ فرمائے جہنم. جہنم کے نیچے لکھ کے بدل, یعنی جہنم میں اتار دیا. یسلونہا, جس میں داخل ہوں گے. وبئس القرار, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ, لکھے بیان کفر. جعلوا کے نیچے لکھے بیان کفر, اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اندادن شریک. لیضلوا عن سبیلہ, لکھے بیان اضلال. کیوں اللہ کے لیے شریک بنائے؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے. عن سبیلہ, ہی اللہ کے راستے سے. قل تمتعو, لکھے زجر. آپ کہہ دیجئے تمتعو, فائدہ اٹھا لو, کچھ دن کی زندگی ہے, فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ,
बेशक तुम सबका ठिकाना लौटना किसकी तरफ है? आग की तरफ है। आग की तरफ सब लौट के जाओगे। चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा बहार है, इससे फायदा उठा लो, फिर जहन्नम है तुम्हारे लिए। कुल इबादी अल्लदीना, लिख के मोमिनीन को तलकीन शुक्र, मोमिनीन को तलकीन शुक्र। कुल आप कह दीजिए, इबादी अल्लदीना आमनु, मेरे उन बंदों से जो के ईमान लाए, जो ईमान लाए उनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए? युकीमु सलाता, युकीमु से पहले लाम लगाए, लाम ऐ लियुकीमु, ऐ मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए, लियुकीमु सलाता के वो कायम करे नमाज को, वयुन्फिकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, खर्च करें हमारे दिए हुए रिज़्क में से छुप कर भी और खुल कर भी, मिन क़ब्ल, इससे पहले कि यातिया यौमुन, आ जाए वो दिन, इससे पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करे कि आ जाए वो दिन, ला बैउन फीही वला खिलाल, जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और न कोई आम दोस्ती होगी। बैउन कहते हैं खरीदो फरोख्त, और खिलाल किसको कहते हैं? दोस्ती, आम दोस्ती। मकसद ये कि दुनिया में इंसान का काम जब फंसता है तो इंसान कहता है चलो यार कुछ दे दिला देते हैं, कुछ चाय पानी दे दो, चाय पानी कहते हैं ना, कहते हैं कुछ चाय पानी दे दो, कुछ नाश्ता। तो ये वहाँ नहीं है कि वहाँ पर जो है कोई कहे कि जी मैं फरिश्ते की मुट्ठी गर्म कर लूँगा, ये मुट्ठी गर्म करे ना करे वो दिमाग गर्म कर देगा जहन्नम में डाल के ना। या फिर ये है कि इंसान ये कहता है कि चलो यार मेरा एक दोस्त है उससे कुछ रास्ता बनाते हैं, तो वहाँ ये भी नहीं हो सकता। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ लिक दलील अक़ली नंबर तीन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया आसमानों और ज़मीन को, वानज़ल मिनस समाइमा, और आसमान से पानी बरसाया, फ़ाख़रज बिही मिनस समराति, फिर उस पानी के ज़रिए से निकाला, मिनस समराति फलों को, फलों को निकाला, रिज़्क़ल लकुम तुम्हारे रिज़्क के लिए, वसख़र लकुमुल फ़ुरक़ा और तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया, सख़र के माने आते हैं काम में लगा दिया या ताबे कुदरत कर दिया, समझ में आ गई, या ताबे कुदरत कर दिया। लकुम के नीचे लिखे लिनफ़इकुम, और काम में लगा दिया तुम्हारे फायदे के लिए, अलफुल का किसको? किश्तियों को, किश्तियों को, क्यों? लितजरिया फिल बहरी बे अमरे, लिखे हिकमत तस्खीर, ये जो बड़े बड़े समंदरों में किश्तियां और जहाज चल रहे हैं और अल्लाह पाक ने इनको हमारे काम में लगा दिया, इसकी हिकमत क्या है? हिकमत तस्खीर, फरमाया लितजरिया फिल बहरी बे अमरे, ताकि वो किश्तियां समंदर में चलती रहे अल्लाह के हुक्म से, वसख्खर लकुमुल अनहार, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम में लगा दिया, लकुम के नीचे भी लिखे लिनफ़इकुम, तुम्हारे फ़ायदे के लिए काम में लगा दिया, अल अनहार, किसको? नहरों को। आज दुनिया में तिजारत का सबसे बड़ा और मौसर ज़रिया वो क्या है? वो समंदरी रास्ते से तिजारत है, सी पोर्ट की तिजारत है, समझ में आ गए? आप देखें ना, बीच में जो है वो चीज़ों की शॉर्टेज शुरू हो गई थी शहर में, मुल्क में, चीनी नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, इसलिए कि हज़ारों कंटेनर आपके कराची पोर्ट पर फंस गए, रोक दिए गए, तो उसमें माल भरा हुआ था, वो एक डेढ़ दो महीने कुछ कानूनी हुकूमती मामलात में फंस गए, उसका असर पूरे मुल्क की मईशत पे पड़ गया, डॉलर बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, चीज़ें महंगी हुई, एक निज़ाम है ना पीछे, एक ऐसा एक सरमायदाराना जहन यहूद का चल रहा है कि किसी मुल्क के माशी निज़ाम को तबाह करने को कैसे हैंडल करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि समंदरी रास्ते से तिजारत ये किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी, और ये बात आपको कुरान से समझ में आएगी कि अल्लाह पाक जगह जगह अपनी इस नेमत का तस्करा करते हैं कि भाई हमने समंदर से ये और किश्ती से ये
इंसान कहता है समंदर और किश्ती और पानी का तस्करा बार बार क्यों होता है? इंसान के गुजरान का बड़ा जरिया और सबब यह है, समझ गए? वसखर लकुम अश्शम्स वल कमर दाइबैन, और तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया यानी काम में लगा दिया सूरज को भी और चांद को भी, दाइबैन जो हमेशा गर्दिश में है, गर्दिश में है, घूम रहे हैं। वसखर लकुम अल्लैल वन नहार, और तुम्हारे लिए काम में लगा दिया रात को भी और दिन को भी। वाताकुम मिन कुल्लि मा सअल्तुमूहु, और दे दिया अल्लाह ने तुम्हें हर वो चीज, मा सअल्तुमूहु जो तुमने अल्लाह से मांगी, जो तुमने अल्लाह से मांगी अल्लाह ने तुम्हें दे दी। सअल्तुमूहु के नीचे लिखें तुम्हारी तुम्हारे मुनासिब हाल के, तुम्हारे मुनासिब हाल के, समझ में आ गए? यानी ये एक सवाल जहन में आ सकता था कि हमने तो अल्लाह से बहुत कुछ मांगा है, सुबह जब घर से निकल रहे थे तो अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह आज कहीं से 3.5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए, है ना, दोनों जेबें भर जाए, तो कल तक तो 3.5 लाख नहीं मिले बल्कि 350 बड़ी मुश्किल से घर वालों ने दिए। तो मकसद ये है कि जो इंसान की हाल के मुनासिब ज़रूरियात है वो अल्लाह के इल्म में, कि इस बंदे को कितना देना चाहिए, कितना ये काबू कर सकता है, समझ में आ गई? वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा तो उसे शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार, बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और बड़ा नाशुकरा है, बड़ा बेइंसाफ भी है और बड़ा नाशुकरा भी है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, लिखे दलील नकली तफसीली नंबर 2 अज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दलील नकली तफसीली नंबर 2 अज इब्राहिम अलैहिस्सलाम। وَإِذْ قَالَ, और याद करो जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जाल, लिखे दुआ नंबर 1, दुआ नंबर ए मेरे रब बना दीजिए हाज़ल बलद, इस शहर को बना दीजिए, इस शहर को आमिनन अमन का गहवारा। अब देखें यही इसी से मिलती जुलती आयत सूरह बकरा में आप पढ़ के आए हैं, है ना, उसमें बलदन आमिना, हाजा बलदन, उसमें बलद पे अलिफ लाम नहीं है, यहां है, वो नकिरा है और ये क्या है, मारिफा है, ऐसा ही है ना। ये फर्क क्यों हुआ दोस्तों? इसलिए कि उस वक्त जो तस्किरा किया ना बलदन आमिना, जो नकिरा वाला है, उस वक्त आबादी बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आबादी बनती चली गई, अब आबादी थी, शहर आबाद हो गया था, तो अब नकिरा जिक्र नहीं किया बल्कि अब क्या जिक्र किया, अब मारिफा जिक्र किया। और कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जाल हादल बलद आमिना, बना दीजिए ए मेरे रब इस शहर को अमन का गहवारा। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, दुआ नंबर 2, और बचा लीजिए मुझे भी व बनिया, बनिया के नीचे लिखे सुलबी औलाद, स्वात के साथ, सुलबी कहते हैं अपनी नसबी औलाद जो होती है, समझ में आ गए? पर मैं बचा लीजिए मुझे भी और मेरी सुलबी औलाद को, अन्ना बुदल असनाम, इस बात से कि हम बुतों की इबादत करें। रब इन्ना उन्ना अज़लल्ला कसीरन मिनन नास, ए मेरे रब इन्ना हुन्ना, बेशक उन बुतों ने, अज़लल्ला
गुमराह कर दिया कैफीरम मिनन्नास, बहुत सारे लोगों को। अजलल के नीचे लिख के नस्बते मजाजी, नस्बते समझते हैं ना, एक है नस्बत हकीकी और एक है नस्बत। हकीकत में तो इस कायनात की हर चीज का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। लेकिन मजाजन कोई ना कोई सबब और जरिया बन जाता है। तो जितने लोग ये गुमराह हो रहे हैं बुतपरस्ती करके, तो हकीकत में तो उनके किस्मत में गुमराही अल्लाह पाक ने लिखी है, लेकिन मजाजन उसका जरिया कौन बन गए? ये बुत बन गए। इसको लिखे नस्बत मजाजी। ए मेरे रब, बेशक इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबियानी फैन नहू मिन्नी, बस जो मेरी इत्तिबा करे तो बेशक वो मुझ ही में से है। वमन आसानी लिखे तलब हिदायत, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, तो नीचे लिख लें वमन आसानी के बाद महजूफ निकालें, फअहदिहिम फअहदिहिम। क्या मतलब? जो मेरी नाफरमानी करे तो ए अल्लाह आप उसे क्या दे दें? आप उसको हिदायत दे दीजिए। फ़इन्नका गफूरुर रहीम, बेशक आप बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। रब्बना इन्नी अस्कंतु लिक, दुआ नंबर 3। ए मेरे रब, बेशक मैंने बसाया मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, बिवादिन गैरिज़ी ज़रइन, एक ऐसी वादी में जो गैरिज़ी ज़रइन, जिसमें कोई सब्जा नहीं। सब्जा नहीं इसलिए कि सब्जा और हरियाली ये आबादी की अलामत है, और जहां ये नहीं है तो वो तो वीराना है, सहरा है। तो मैंने अपने बच्चों को बसा लिया बिवादिन, ऐसी वादी में जिसमें कोई सब्जा नहीं। इंद बैतिकल मुहर्रम, आपके एहतराम वाले घर के पास, काबतुल्लाह के पास कोई आबादी कुछ भी नहीं था। रब्बना लिखे इल्लत इस्कान, इल्लत। तो फिर जब कुछ नहीं था तो बच्चों और बीवी को जाके वहां क्यों छोड़ा? तो इस्कान यानी वहां रुकने की इल्लत क्या थी? फरमाया ए मेरे रब, इसलिए लियुकीमुस सलाता, ताकि वो नमाजों को क्या करे? कायम करे। आपका घर बना है ताकि नमाजें कायम हो जाए, लेकिन अब कौन आएगा नमाज जमात के लिए? तो अफराद चाहिए। फरमाया फजअल अफइदतम मिनन्नास, कर दीजिए लोगों के दिलों को तहवी इलैहिम, के वो माइल हो जाए इस जगह की तरफ। तहवी ऐ तमीलो, लोगों के दिलों को ए अल्लाह इनकी तरफ फेर दीजिए। क्या कर दीजिए? फेर दिए। मिन मिन के नीचे लिखे तबईजिया, बाज। हाशिए पर लिखे मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये मिन तबईजिया है। अगर ये न होता ना, और दुआ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सब लोगों के दिल फेर दीजिए, तो सब इंसान वहीं पहुंच जाते, फिर कोई भी बाकी दुनिया में नहीं रहता। वरज़ुक़हुम मिनस्समराते, अब जाहिर सी बात है लोग जो यहां आएंगे आपके घर को आबाद करने, तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? फरमाया अल्लाह उन्हें रिज़्क दे दीजिए फलों का। अब देखिए पैगंबर ने रिज़्क की दुआ की, वो भी फलों की। मालूम हुआ कि फल ये एक मुअज़्ज़ज़ रिज़्क है, इज्जत वाला रिज़्क है, समझ गए। और उनको रिज़्क दे दीजिए फलों का, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र गुजार बन जाए। तो आज दुनिया का हर कीमती फल वो पहले सरजमीन हिजाज पहुंचता है, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। रब्बना इन्नका तालमु लिखे दुआ नंबर 4। ए हमारे रब, इन्नका तालमु, बेशक आप जानते हैं, मा नुख्फी व मा नुलिन, जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा, और मख्फी नहीं है अल्लाह पाक पर कुछ भी, न जमीन में और ना आसमान में, कोई चीज भी अल्लाह पाक पर पोशीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिखे शुक्र नेमत, शुक्र नेमत। तमाम तारीफ खास है उस अल्लाह के लिए, अल्लज़ी वहबली, जिसने मुझे अता किया, अलल के बरे, अला के नीचे लिख के बेमाना फी, जिसने मुझे अता किए इस बुढ़ापे में, इस्माईल व इसहाक, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम,
जैसे पीछे गुजरा ना, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने इनको औलाद दी। इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआ को सुनने वाला है। रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, लिख के दुआ नंबर 5, और इजअलनी के नीचे लिखे ये अमरे दवामी है। अमरे यानी ये हमेशा हमेशा के लिए एक दुआ मांगी गई कि ए मेरे रब इजअलनी, बना दीजिए मुझे, यानी हमेशा मुझे इस तरह रखिए कि मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, मैं भी नमाज को कायम करने वाला बनूँ, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद भी। रब्बना व तकब्बल दुआ, ए हमारे रब दुआ को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया, लिखे दुआ नंबर 6, ए हमारे रब बख्श दीजिए मुझे भी, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी, वलिल मुमिनीना, और तमाम ईमान वालों को, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन आप हिसाब किताब को कायम फरमाएंगे। अब यहां पर वही इश्काल होगा कि इन्होंने अपने वालिदैन के लिए दुआ फरमाई, जबकि इनके वालिद आज़र वो क्या थे? हाँ, वो मुशरिक थे, वो तो ईमान नहीं लाए, और मुशरिक के हक में तो दुआ नहीं हो सकती। तो इसका जवाब ये है, अहम बात समझे दोस्तों, कि ये जो दुआ थी ना, रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया, ये वाली दुआ, ये उस वक्त तक थी जब इनके वालिद जिंदा थे। क्या थे? क्या थे? जिंदा थे। तो जब तक बंदा जिंदा हो तो इससे उम्मीद हो सकती है ना कि ये हिदायत को कबूल कर लेगा किसी दिन, तो ये उस वक्त की दुआ है। लेकिन जब उनका इंतकाल ही हालत शिर्क में हुआ है ना, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, तो फिर फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह तबर्रअ मिन्हु, जब उन पर बात वाजे हो गई कि ये तो अल्लाह की दुश्मनी में दुनिया से गए हैं, तो उन्होंने उनसे बरात कर ली, फिर ये दुआए मगफिरत उन्होंने उनके हक में नहीं की। अच्छा जी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लिखे वाकया नंबर 6 और तख़वीफ़ उख़रवी नंबर 4, हरगिज़ तुम गुमान मत करो अल्लाह ताला को गाफिलन, बेखबर। नीचे लिखे बवजह मोहलत के, बवजह मोहलत के। अब अल्लाह जब काफिरों को डील देते हैं ना, मौका देते हैं, तो बाज़ दफ़ा इंसान को लगता है कि यार ये अल्लाह के दुश्मन है, नाफरमान है, फिर अल्लाह इनकी पकड़ क्यों नहीं फरमा रहे? तो अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे गाफिल बेखबर मत समझो, बवजह मोहलत के, कि मैंने इन काफिरों को मोहलत दे दी, मैं बेखबर नहीं हूँ। अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, उन कामों से जो ये जालिम कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक मैंने उनको मोहलत दे रखी है, लियौमिन, ऐसे दिन के लिए, तशख़्सु फ़ीहिल अबसार, जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, जिसमें निगाहें यानि आँखें फटी रह जाएंगी। अबसार के नीचे लिखे बवजह हैरत के, बवजह हैरत के। मुहतेईना, उस दिन दौड़ने वाले होंगे, दौड़ने वाले होंगे, सब दौड़ते हुए जा रहे होंगे मैदान में। मुकनई रूसिहिम, ऊंचा करने वाले होंगे अपने सरों को। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, के उनकी तरफ उनकी निगाहें पलट कर नहीं आएंगी। जैसे इंसान बदहवासी में ऐसे सर उठा के देख रहा है ना, जिसे खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए या कुछ हो जाए, तो इंसान बस उस जगह को देखते हुए भाग रहा होता है, सर नीचे करने की भी इसको मोहलत नहीं मिलती, ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे। तो इनकी निगाहें इनकी तरफ लौट कर नहीं आएगी, यानी नीचे नहीं करेंगे निगाह। वाफ़िदतुहुम हवा, और उनके दिल क्या होंगे? बदहवास हो चुके होंगे, हवा, बदहवास। वानज़िर अन्नास, लिखे फ़रीज़ ए ख़ातमुल अंबिया, आप डराइए इन लोगों को। यौम यातीहिमुल अज़ाब, उस दिन से जिस दिन अज़ाब आएगा। फ़यक़ूलुल लदीना ज़लमू, फिर ये ज़ालिम कहेंगे रब्बना अख़िरना, लिखे दरख्वास्त आऊद, दरख्वास्त आऊद, आइन वाऊ दाल, अल्लाह से दुनिया में वापस लौटने की दरख्वास्त करेंगे। ज़ालिम कहेंगे ए हमारे रब अख़िरना, हमें मोहलत दे दीजिए, इला अजलिन करीबिन, एक थोड़ी सी मुद्दत की,
किसकी? थोड़ी सी मुद्दत की मोहलत दे दीजिए, नुजिब दावत का, हम आपकी बात को मानेंगे, अब मानेंगे। वन तबीर रसुला लिखे रद्द दरख, और रसूलों की क्या करेंगे? इत्तिबा भी करेंगे। अवलम तकूनो, इसके नीचे लिखे रद्द दरख्वास्त, अल्लाह पाक ने इनकी दरख्वास्त को रद्द किया। फरमाया अवलम तकूनो अक्सम तुम मिन कबलो, क्या इससे पहले तुमने कस्में नहीं खाई थी कि मालकुम मिन जवाल, तुम्हारे लिए कोई टलना नहीं। पहले तो कस्में खा के कहते थे, सीना फैला कर कहते थे कि जी जमीन और आसमान हिल सकते हैं लेकिन हम अपने नजरिए से नहीं हिलेंगे, हमारे लिए टलना नहीं। व सकन तुम फी मसा किन लबीन लिख के असबाब तस्लीम क़्यामत, असबाब तस्लीम क़्यामत, जबकि इन लोगों की जिंदगी में क़्यामत को मानने के सारे असबाब मौजूद थे। अब वो असबाब क्या थे? लिखें व सकन तुम, सबब नंबर एक, तुमने रिहाइश रखी, तुमने रिहाइश रखी, फी मसा किन लदीना, उन लोगों के घरों में, ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। देखे तुम उन्हीं इलाकों में रहे, उन पर पहले अजाब आ चुका था तो तुम्हें क्यों इबरत नहीं मिली? व तबय्यन लकुम कैफ फअलना बिहिम, सबब नंबर दो, और तुम पर वाज़े हो गया कि कैफ फअलना बिहिम, हमने इन लोगों के साथ कैसा मामला किया। व ज़रबना लकुम अमसाल, सबब नंबर तीन, और हमने तुम्हें किस्से बयान किए, अमसाल हमने तुम्हारे लिए किस्से भी बयान किए। वक़द मकरू मकरहुम लिख के सबब तज़ीब, इन पर अजाब क्यों आया उसका सबब। फरमाए वक़द मकरू मकरहुम, और यकीनन इन काफिरों ने बड़ी तदबीरें की, मकरहुम के नीचे लिख के बड़ी तदबीरें, इन्होंने बड़ी तदबीरें की। व इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह के सामने थी उनकी तदबीरें, अल्लाह के सामने, अल्लाह से पोशीदा नहीं थी, जो कर रहे थे अल्लाह पाक देख रहे थे। बाज दफ़ा होता है ना, किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो दो तलबा शरारत कर रहे थे मस्जिद में ना, यहाँ नहीं एक और मस्जिद में, तो उनके कारी साहब आके उस खिड़की में वजू करके खड़े, आपको उठाए, आपका मसलन वो खिड़की नहीं है, इस तरह उस मस्जिद में भी ऐसे खिड़की थी, तो कारी साहब वजू के लिए गए, वो आके उस खिड़की से खड़े हो गए। अब ये आपस में वो कर रहे हैं और बार बार उधर देखते हैं, कह रहे कारी साहब नहीं, फिर आपस में जो है भागते एक दूसरे के पीछे। तो जो कर रहे थे इनकी सोच ये थी कि हमें नहीं देख रहे कारी साहब, और वो क्या कर रहे थे? पीछे से देख रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो तदबीरें की वो हमारे सामने थी, हमसे छुपी हुई नहीं थी। वह इनका नमक रोम, अच्छा इनके नीचे लिखे नाफिया या मुखफफा, दोनों हो सकते हैं, और इसकी वजह से तर्जुमे में फ़र्क आएगा दोस्तों। इन अगर नाफिया हो तो ये नफ़ी के माने में होगा, पहले हम नफ़ी का तर्जुमा करते हैं। वह इनका नमक रोम लितजूल अमिनहुल जिबाल, नहीं थी उनकी तदबीरें ऐसी कि जिससे पहाड़ टल जाए, जिससे क्या हो जाए पहाड़, यानी कोई ऐसी बड़ी तदबीरें नहीं थी कि जो पहाड़ों को टला दे। ये सोच रहे थे कि हमने ऐसी प्लानिंग की, ऐसी मनसूबाबंदी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया उनकी तदबीरें कोई जानदार नहीं थी कि जिससे कोई पहाड़ टल जाए, समझ गए। और अगर इनको मुखफफा माने तो उस सूरत में इनका मतलब क्या होता है? बेशक, बेशक अगरचे उनकी तदबीरें ऐसी थी कि जिससे पहाड़ भी टल जाते। क्या मतलब? इतनी मेहनत और मंसूबा बंदी से तदबीरें की थी कि जो पहाड़ों को हिला सकती थी, लेकिन अल्लाह के सामने उनकी सारी तदबीरें फेल थी। क्या थी? फेल थी उनकी तदबीरें और नाकाम थी। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादिही रुसुला लिखे वाकया नंबर सात व तख़वीफ़ उखरवी नंबर पाँच। फला तहसबन्नल्लाह, तुम हरगिज़ गुमान मत करो अल्लाह ताला को मुखलिफ वादिही रुसुला कि वो अपने रसूल के वादे की खिलाफ वर्जी करेगा। अल्लाह अपने पैगंबर से किए हुए वादे के खिलाफ नहीं करता। ठीक है देर सवेर होगी, वक्त लगेगा,
लेकिन अल्लाह ने जो वादा अपने पैगंबर से किया वो ज़रूर पूरा होगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, बेशक अल्लाह की ज़ात ग़ालिब है, बदला लेने वाली है, इंतकाम पे क़ादिर है। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु, यौम से पहले निकाले उस्कुर, क्या निकालेंगे उस्कुर, और याद करो उस दिन को जिस दिन तुबद्दलुल अर्ज़ु, तब्दील कर दिया जाएगा इस ज़मीन को, क्या कर दिया जाएगा, ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा। गैर अल अर्ज़, अर्ज़ अच्छा पहले वाले अर्ज़ के नीचे लिखें ज़ातन अव वस्फ़न, ज़ातन अव वस्फ़न, या तो वाक़ियतन ज़मीन की ज़ात ही तब्दील हो जाएगी दोस्तों, यानी बिल्कुल ये जिस ज़मीन पे आज दुनिया आबाद है ना, ये हटा दी जाएगी और एक और ज़मीन अल्लाह बना के ले आएंगे, या इसके औसाफ मुराद है कि इस वक्त ज़मीन की जो रंगत है और जो सख्ती है और जो कैफियत है इसमें अल्लाह पाक तब्दीली फरमा देंगे, दोनों हो सकते हैं। तो जिस दिन ज़मीन को बदल दिया जाएगा गैर अल अर्ज़ व समावात, इस ज़मीन के अलावा से दूसरी ज़मीन आ जाएगी, व समावात और आसमान को भी तब्दील कर दिया जाएगा, व बरज़ुलिल्लाहि अल-वाहिदिल क़हार, और ये सब पेश होंगे एक अल्लाह के सामने कहार जो के गालिब है। बात समझ गए? तो हाशिए पर लिखा है कि बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि पहले ज़मीन का वस्फ़ तब्दील होगा, वस्फ़, और फिर ज़मीन की ज़ात तब्दील होगी। बात समझ रहे हैं? पहले क्या होगा, ज़मीन का वस्फ़ तब्दील होगा, यानी इसके अंदर अल्लाह पाक रंगत में, मिजाज में, सख्ती नरमी में फ़र्क ले आएंगे, फिर अल्लाह इसकी ज़ात भी बदल देंगे। किस तरह के एक चांदनी के रंग की ज़मीन बनाई जाएगी, किस रंग की, चांदनी देखी है ना, सिल्वर, चांदनी के रंग की ज़मीन बनाई जाएगी और इसको ला के रख दिया जाएगा, उस पर कोई गुनाह भी नहीं हुआ होगा उस दूसरी ज़मीन पर, समझ गए। व तरल मुजरिमीन, लिख के मुजरिमीन की रुसवाई, और तुम देखोगे इन मुजरिमों को, यौमइज़िन उस दिन, मुकर्रनीन के जकड़े हुए होंगे, फिल असफात जंजीरों में, मुजरिम उस दिन जंजीरों में क्या होंगे, जकड़े हुए होंगे, सराबीलुहुम मिन कतरान, उनके कुर्ते मिन कतरान, इन तारकोल के होंगे, तारकोल जानते, तारकोल नाम सुना है, जब सड़कें बनती हैं ना, रास्ते गलियां बनती है तो एक बिल्डोज़र चल रहा होता है तो उससे काले कलर का एक मादा निकल रहा होता है सड़क पर, देखा है ना, तो ये जो होता है ये तारकोल होता है, कभी पैर रखा है किसी ने इस पर, तारकोल पे, हाँ, नरम नरम सा मज़ेदार होता है ना, तो ये जला देता है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, फुल गर्म होता है ये, पैर नहीं रखना है इस पर। तो कतरान कहते हैं किसको, तारकोल को, और दूसरा तर्जुमा इसका लिखा है रोगन गंधक, रोगन कहते हैं तेल को, और गंधक, गाफ नून दाल हा काफ, गंधक जानते हैं ना, गंधक एक पत्थर सा होता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, गंधक का पत्थर। तो फरमाया उनके कुर्ते होंगे रोगने गंधक के या तारकोल के, वत्तख्शा वजूहा हुमन्नार, और आग उनके चेहरों को क्या कर देगी, ढांप देगी, आग उनके चेहरों को क्या करेगी, ढांप देगी। लियज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिम मा कसबत, लिख के इल्लत, ताकि अल्लाह ताला बदला दे दे हर नफ्स को उसके किए हुए का, हर नफ्स को उसके किए हुए का बदला दे दे। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। हाज़ा बलागुल लिन्नास, हाशिए पर लिखें मज़ामीन सूरत का खुलासा, और हाज़ा बलागुन के नीचे लिख के सदाकत कुरान व इस्बात रिसालत, हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये बात पहुँचा देनी है लोगों को, ये बात क्या करनी है, पहुँचा देनी है। तो देखिए कुरान भी आ गया, और पहुंचाएंगे कौन, अल्लाह के रसूल, तो रिसालत भी आ गई।
صداقت قرآن و اثبات رسالت، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کو، ولینذروا بہ لکھے قیامت، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، ولیعلموا اور تاکہ لوگ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد لکھے توحید، کہ بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے، ولیذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کر لے عقل والے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کون سی سورت ختم ہو گئی؟ سورہ ابراہیم ختم ہو گئی دوستو. آگے ہے سورہ حجر، حجر شروع ہو رہی ہے. اپنے بیاض میں دیکھیں، ربط سورہ حجر و سورہ ابراہیم دیکھ رہے ہیں. نمبر ایک، حسب سابق دلائل اور واقعات کا بیان. نمبر دو، سورہ ابراہیم کے آخر میں صداقت قرآن کا مضمون تھا، اس کی ابتدا میں بھی یہی مضمون ہے. خلاصہ سورہ حجر، دو دلائل عقلیہ، تخویف دنیاوی کے پانچ نمونے، تین سابقہ اقوام کے اور دو کفار مکہ کے، پانچ تسلیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکوہ جات اور عداوت شیطان، یہ ساری باتیں سورہ حجر میں آ رہی ہے دوستو. ٹھیک ہے، دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، لکھے صداقت قرآن، یہ جائے گی. و تمہید مع الترغیب، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، لکھے صداقت قرآن و تمہید مع ترغیب. یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن واضح کی. یہ آیتیں ہیں کس کی؟ کتاب کی اور قرآن واضح کی. و قرآن مبین، حاشیے میں لکھیں، یہ عطف الصفت علی الصفت ہے. یہ کیا ہے؟ عطف الصفت علی الصفت، اس لیے کہ کتاب اور قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی ہے نا، تو کتاب بھی صفت، قرآن بھی صفت، تو عطف الصفت علی الصفت ہے. یہ آیت کتاب کی ہے اور واضح قرآن کی ہے. ربما یود الذین کفروا، لکھے بیان حسرت کفار. ربما پر حاشیے میں لکھے کہ ربا، آپ نے پڑھا ہے نحو میں کہ ربا یہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی، کمی بھی بتانے کے لیے آتا ہے، زیادتی بتانے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں کس لیے ہے؟ فرماتے ہیں یہاں تکثیر کے لیے ہے. کس کے لیے؟ تکثیر. لہذا ترجمہ کیا کریں گے؟ ربما یود الذین کفروا، بار بار یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. تو ربا کا ترجمہ کیا ہے؟ کثرت، بار بار، بار بار یہ کافر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، لو کانوا مسلمین، مسلمین کے نیچے لکھے فی الدنیا، کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. کہاں پر؟ دنیا میں. ذرہم، لکھے امحال مجرمین، امحال کہتے ہیں مہلت دینا، امحال مجرمین، چھوڑ دیجئے آپ ان کو، یاکلوا، کھاتے پیتے رہے، ویتمتعوا، اور عیش اڑاتے رہے، ویلہیہم العمل، اور غافل رکھے ان کو خیالی منصوبے. یلہم، غفلت میں ڈالے رکھے، العمل، خیالی منصوبے. یہ جو خیالی پلاؤ انسان بناتا ہے نا، تو کافر کہتے تھے یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر ہم یہ کر لیں گے، پھر یہ سارا وہ. اللہ نے فرمایا ان کو خیالی منصوبوں کے غفلت میں پڑے رہنے دیجئے. فسوف یعلمون، عن قریب جان لیں گے، یعلمون کے نیچے لکھ کے مرتے ہی، جیسے ہی موت آئے گی جان لیں گے.
कि कितना पुलाव बन चुका है, पता चल जाएगा। वमा अहलकना मिन क़रियतिन लिके हिकमत इमहाल व तख़वीफ दुनियावी, और हम हलाक नहीं करते किसी बस्ती को इल्ला मगर ये कि वलहा किताबुम मालूम, उनके लिए एक नविश्ता मुकर्रर होता है। नविश्ता जानते हैं, तयशुदा फैसला, तयशुदा फैसला। किताब के माने लिखे नविश्ता, और नविश्ता के माने क्या है, तयशुदा फैसला। तो हम किसी बस्ती को इस तरह अचानक बे इत्तला बेवजह हलाक नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक तयशुदा फैसला मुकर्रर होता है कि अगर इन्होंने नहीं माना, जिद की नाफरमानी की मुकाबले पर आए तो फिर ये हो जाएगा। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तखिरून, नहीं आगे बढ़ सकती कोई उम्मत अजलहा अपने मियाद से, और न पीछे हट सकती है। अजल कहते हैं मियाद, वक्त मुकर्रर, कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से न एक घड़ी आगे हो सकती है न एक घड़ी पीछे। वकालू या अय्युहल्लज़ी लिखे शिकवा, हाशिए पर लिखे अहवाले कुफार के बाद अक्वाले कुफार का बयान, अहवाले कुफार के बाद अक्वाले कुफार का बयान। वकालू या अय्युहल्लज़ी, और काफिर कहने लगे या अय्युहल्लज़ी नुज़िल अलैहि ज़िक्रु, स्टाइल और अंदाज देखें दोस्तों, जो बेईमान होता है ये लाजिमन बदखलाक भी होगा, समझ में आ गई। इसलिए कि पता इखलाक और गैर इखलाक का जो है वो मौके पे चलता है। अच्छे हालात में तो सब मीठे मीठे हैं ना, अच्छे हालात में तो सब क्या है, मीठे मीठे हैं, लेकिन जब वक्त और मौका आ जाए फिर पता चलता है कि इखलाक किसके पास है और कौन बद इखलाक है। तो ये काफिरों ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीन उज़िला अलैहि ज़िक्रु, ए वो शख्स जिस पर उतारा गया है, अज़िक्र के नीचे लिख के कुरान, जिस पर ये कुरान उतारा गया, कहा ए सुनो, इन्नका लमजनून, तुम मजनून हो, तुम पागल हो। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, मजनून कहा। लौ मा तातीना बिल मलाइकतीन कुंत मिनस्सादिकीन, क्यों हम पर फरिश्ते नहीं लेके आता अगर तू सच्चा है। लौ मा तातीना बिल मलाइका, क्यों हम पर फरिश्तों को लेके नहीं आता, यानी हम इतने बड़े लोग हैं और इतने जो है वो साहिब राय है कि ये फरिश्ते हमसे भी मुलाकात के लिए आए, समझ में आ गए। पर मैं अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाता। लिखे मानुनज़िलुल मलाइका, जवाब शिकवा, अल्लाह ने फरमाया हम फरिश्तों को नहीं उतारते इल्ला बिलहक्के, मगर फैसला अजाब देकर। फरिश्ते तो आ जाएंगे लेकिन तुम फिर नहीं संभल सकोगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा अपना आप, इसलिए कि हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर फैसला अजाब देकर। वमा कानू इज़म मुनज़रीन, और उस वक्त उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, लिख के सदाकत कुरान, बेशक हमने ही उतारा है इस नसीहत को यानि कुरान को। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, लिख के एजाज़ कुरान की दलील, हमने ही उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका, लिख के तसल्ली ख़ातमुल अंबिया, और तहकीक हमने भेजा आपसे पहले भी। फी शियाइल अव्वलीन, पहले ग्रोहों में, पहले ग्रोहों में भी हमने रसूलों को भेजा है। वमा यातीहिम मिन रसूलिन, मगर जिन उन जिनके पास भी रसूल गए, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो उनका मजाक उड़ाते थे। कदालिक नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम दाखिल कर देते हैं, नस्ल को दाखिल करना, हम दाखिल कर देते हैं। हु ज़मीर का मर्जा क्या होगा, हम उसको, इस्तेहज़ा, इस्तेहज़ा, ये जो इस्तेहज़ा का मर्ज़ है ना, ये रब्त में है, तसलसल के साथ है। हर ज़माने का बातिल अपने पैगंबर का इस्तेहज़ा अपने अपने अंदाज से करता है, ये हम इनके दिलों में इस्तेहज़ा को दाखिल कर देते हैं।
फी कुलूबिल मुजरिमीन, इन मुजरिमों के दिलों में, मुजरिमीन के नीचे लिख के कुफारे मक्का, ला युमिनून बिही, लिहाजा वो ईमान नहीं लाएंगे, बिही नीचे लिख के कुरान, वो इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और चला आ रहा है दस्तूर पहलों का, पिछले लोगों का दस्तूर चला आ रहा है कि हमेशा उम्मतों ने पैगंबर की नाकदरी की, उनके लाए हुए अहकामात और किताबों को कबूल नहीं किया। वलो फतहना अलैहिम बाब मिन अस्समा, लिख के शिद्दत इनाद कुफार, शिद्दत इनाद, अगर हम इन पे खोल दें कोई दरवाज़ा आसमान से, फजल्लु फीही या रुजून, तो सारा दिन उसमें चढ़ते रहे। अगर इनके लिए आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दिया जाए ना कि भाई ऊपर आ जाए, ये किताब और अहकामात ऊपर से आ रही है, देख लो आओ, तो एक एक करके ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कहेंगे यार दोबारा देखना है, हमें कुछ इत्मीनान नहीं हो रहा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नया ऊपर जाएगा, वो आएगा, सारा दिन चढ़ते उतरते रहेंगे, ये जिद है। लकालू, और ज़रूर भी ज़रूर क्या कहेंगे, इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, बेशक जादू कर दिया गया है हमारी निगाहों पर, हमारी निगाहों पर, ब्रैकेट में लिख के नज़रबंदी, नज़रबंदी कहते हैं ना भाई, मुझ पे नज़रबंदी हो गई है, जादू हो गया है। बल नहनु कौमुम मसहूरून, बल्कि हम तो ऐसी कौम है कि जिन पर जादू हो चुका, जिन पर क्या हो चुका है, जिन पर जादू हो चुका है। मसहूरून के नीचे लिख के अकलन, हमारी अकलों पर क्या कर चुके हैं जी, जादू कर चुके हैं ये लोग, समझ में आ गई। तो ये जादू जो है दोस्तों, ये भी इतना आसान काम नहीं है। आज हर आदमी कहता है जी मुझ पे जादू, किसी ने कुछ करवाया है, मुझ पे किसी ने कुछ किया है, ये है गलत और गंदा काम, लेकिन इसमें भी मेहनत लगती है दोस्तों। क्या लगती है? अब जाहिर सी बात है कि बच्चा जो होता है ना, ना समझ बच्चा, वो भी खाली दरख्त को पत्थर नहीं मारता, वो भी उस दरख्त को पत्थर मारता है जिस पे कोई क्या हो, जामन लगा हो, बादाम लगा हो, केरी लगी हो, है ना। तो बेकार से बेमकसद सा आदमी हो तो उस पे जादू क्यों किया जाएगा। हमेशा बाकमाल लोग इज्जत में आते हैं, समझ में आ गई। तो लोगों की परेशानी बेजा है। वलकद जअलना फिस्समाई बुरूजा, लिखे दलील अकली नंबर एक, और हमने बनाए आसमान में बुरूजन, बड़े बड़े सितारे, वज़य्यन्ना हालिन्नाज़िरीन, और आसमान को खूबसूरत बना दिया, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। तो गोया के ये आसमानों के फानूस है, सितारे क्या है, आसमान के फानूस है। अल्लाह फरमा रहे हमने देखने वालों के लिए आसमान को क्या बना दिया, खूबसूरत बना दिया। तो वैसे अगर इंसान गौर करे तो इख्तिज़ाउन्नस से ये बात तो समझ आ रही है कि छत को खूबसूरत बनाया जा सकता है ना। आजकल जो छतों की खूबसूरती का निज़ाम है कि उस पर फानूस करते हैं, लगाते हैं, और वो क्या होती है, फोर सीलिंग ना, फोर सीलिंग। तो फोर सीलिंग अगर कोई छत की करता है तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, हमेशा ऊपर का जो इलाका है इसकी खूबसूरती के असबाब होने चाहिए। وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, और हमने उस आसमान को महफूज कर दिया हर शैतान मरदूद से। रजीम कहते हैं जिसको मारा गया हो, मरदूद, आसमान को महफूज कर दिया शैतान मरदूद से। देखिए दोस्तों, यहाँ बात आप हजरात ने तफसीरों में पढ़ी है, असातिजा से सुनी है कि हुजूर अली सलाम की बयासत से पहले तक ये शयातीन और जिन्नात आसमानों तक जाते थे। कहाँ तक जाते थे? आसमानों तक जाते थे, और वहाँ जो है वो अपने रابطے रखने की कोशिश करते थे, तो कुछ न कुछ बातें इनको ऊपर की मिल जाती थी। जैसे होता है ना, इंसान कहीं से गुजर रहा है, आवाज़ आ गई एक आध बात की, तो कुछ बातें मिल गई तो वो लिए नीचे आए, और बाकी 99% बातें अपनी तरफ से मिक्स कर देते थे, समझ में आ गए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बयासत के बाद वो दरवाजे बंद हो गए, तो ये जब फिर ऊपर गए तो ऊपर फरिश्ते इंतज़ार में थे।
और जैसे ये इन्होंने जाकर वहाँ बैठने की और कान लगाने की कोशिश की तो उन्होंने शहाब साकिब इनको मारना शुरू किए, फअतबअहुम शहाबुन साकिब। बास कहते हैं यही सितारों को तोड़कर इन पर मार दिए जाते थे, वो आग का काम करते थे। तो ये उस मामले की तरफ इशारा है। वहफिजना मिन कुल्ले शैतानिर रजीम, हमने आसमान को महफूज कर दिया हर शैतान मरदूद से, इल्ला मन इस्तरक़ समा, इल्ला के नीचे लिख के इस्तिस्ना मुनक़ति, मगर जो चुरा ले असमा बात को, क्या कर ले, जाके बस कान लगाते थे, जब कान लगाते थे एक फरिश्ता डंडा मारता था भगाता था, तो कुछ हाय हवाए आवाज कुछ आ गई, जो कुछ मिल गया ना तो बस कहते थे चलो भाई निकलो यहां से। मगर ये कि जो चुरा ले बात को, चुराना समझ गए ना, सुनने की कोशिश की और जो बात कान में पड़ गई, फअतबअहू शिहाबुन साकिब शिहाबुन मुबीन, तो पीछे लग जाता था एक शौला मुबीन उन जलता हुआ, एक जलता हुआ शौला उनके पीछे लग जाता था, फरिश्ते इनको शौले उठा के मारते थे। वल अर्ज़ मदद नहा, लिखे दलील अकली तहतानी, ये तो आसमान की दलील थी, अब जमीन की दलील। वल अर्ज़ मदद नहा, और जमीन को हमने फैला दिया बिछा दिया, वालकैना फिया रवासिया, और हमने रख दिया उसमें पहाड़, वाम बतना फिया मिन कुल्ली शैइ मौज़ून, और हमने उगाए इस जमीन में हर किस्म की मुनासिब चीज़ें, मौज़ून के नीचे लिख के मुनासिब, हमने उगाए इस ज़मीन में हर किस्म की मुनासिब चीज़ें, वजअलना लकुम फिया माइश, और रख दिया हमने तुम्हारे लिए फिया इस ज़मीन में माइश, रोज़ी के असबाब, रोज़ी के असबाब रख दिए, वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, मन से पहले महजूफ निकाले व अशना, क्या निकालेंगे, व अशना मल्लस तुम लहू बिराज़िक़ीन, और हमने रोजी दी उनको भी जिनको तुम रिज़क नहीं दे सकते। क्या मतलब भाई, आज इंसान घर में बकरी पालता है, तोता पालता है, कबूतर पालता है, बिल्ली पालता है, मछलियां पालता है ना, तो सुबह शाम उनको लाके कुछ ना कुछ डाल देता है, फिर कहता है जी मैंने इसको ये खिलाया, मैंने इसको ये पिलाया, मैंने इसको ये किया। ये महदूद सी चीज़ें, अल्लाह की इस दुनिया में कितने जानवर, कितनी मखलूक, कितने परिंदे, कितने दरिंदे ऐसे हैं जिनको आज तक इंसानों ने देखा भी नहीं होगा, और जिनको कितना रिज़्क दिया जाता है वो इंसान को पता भी नहीं है। तो उन सब को रिज़्क देने वाली ज़ात कौन सी है, अल्लाह पाक की। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, और फरमाए कोई चीज़ ऐसी नहीं मगर ये कि हमारे पास है उसके ख़जाने, हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह के पास है, वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हम उसको नहीं उतारते मगर एक मुकर्रर अंदाजे के साथ। हर चीज़ का ख़जाना आसमान से उतरता है, यानी अल्लाह का हुक्म और फैसला वहाँ से आता है कि भाई फसलें कितनी उगनी है, फल कितने उगेंगे, जानवर कितने बच्चे देंगे, ये सब है ना। फरमाया इल्ला बिकदरिन, एक अंदाजे के साथ मालूम इन जो के मुकर्रर है, वारसल्लर रियाह लवाकिहा, और हम भेजते हैं उन हवाओं को, लवाकिह जो क्या करने वाली है, जो बोझल करने वाली है, जो क्या करने वाली है, बोझल करने वाली, हवा के जरिए से बादल बादलों में पानी भरता है। हाशिए पर लिखें सूरज की तपिश से समंदर से बुखारात ऊपर उठते हैं। ये जो सूरज पड़ता है ना दोस्तों ज़मीन पर, इसी तरह सूरज पड़ता है किस पर, समंदर पर। तो सूरज की उस गर्माइश और तपिश से समंदर से क्या उठते हैं, बुखारात उठते हैं, छोटे छोटे पानी के बुलबुले वो ऊपर उठते हैं। और फिर जब इन पर हवाएं चलती हैं, हवाएं, तो यही बुखारात क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। समझ में आ गए। तो वारसल्लर रियाह लवाकिया, हम चलाते हैं ऐसी हवाएं जो बोझल करने वाली है, फानजल्ला मिनस समाई माअ, फिर हम बरसाते हैं आसमान से पानी, फासकीना कुमूह, और फिर हम उसके जरिए से तुम्हें सैलाब सैराब करते हैं,
क्या करते हैं? सैराब करते हैं। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम उसको ज़खीरा करने पे कादिर नहीं। तो अल्लाह का निज़ाम है ना। इंसान आज पानी कहता है स्टॉक किया है, कितना स्टॉक करेगा, कहाँ तक स्टॉक करेगा? तो अल्लाह पाक ने पानी के ज़खायर महफूज कर दिए बंदों के लिए। वइन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून, और बेशक हम ही जिंदगी देते हैं, हम ही मौत देते हैं। व नहनुल वारिसून, और हम ही वारिस बनने वाले हैं। इन सब चीज़ों के वारिस अल्लाह पाक है। तो वारिस सिर्फ कौन है? अल्लाह वारिस। ईमान वाले का अकीदा क्या है? अल्लाह वारिस, और कोई वारिस। बाज बातिल किस्म के लोग वारिस के साथ किसी और का नाम भी लिख लेते हैं ना, देखा है कभी? किसी और का नाम भी लिख देते हैं कि फला वारिस। याद रखे, होंगे उनके, लेकिन ईमान वालों के वारिस कौन है? अल्लाह की ज़ात है। वलकद आलिमनल मुस्तकदिमीन मिनकुम लिके वुसअते इल्मे बारी तआला, और यकीनन हम जानते हैं अल मुस्तकदिमीन मिनकुम, तुम में से आगे बढ़ने वालों को। वलकद आलिमनल मुस्तअखिरीन, और तुम में से पीछे हटने वालों को भी हम जानते हैं। व इन रब्बक हुवा यहशुरुहुम लिके जजर, और बेशक तुम्हारा रब उन सबको इकट्ठा करेगा, जमा करेगा। इन्नहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह की ज़ात हिकमत वाली है, जानने वाली। वलकद खलकनल इंसान लिके ततिम्मा दलील अक्ली, ततिम्मा दलील, यकीनन हमने पैदा किया इंसान को। इंसान के नीचे लिखे इंसान अव्वल यानि आदम अलैहिस्सलाम। इस इंसान से मुराद कौन है? हजरत आदम अलैह। हमने पैदा किया उस इंसान को मिन सलसालिन, एक बजने वाली मिट्टी से। मिन हमईम मसनून, जो के बदबूदार गारे से बनी हुई। सलसाल कहते वो मिट्टी जो बजने वाली है। बजने से मुराद आपने देखा होगा बाज दफ़ा ये मिट्टी खुश्क हो जाती है। क्या हो जाती है? आप उस पर ऐसे पैर रखें ना जूता, क्रिच की सी आवाज़ आएगी उस पर, है ना? तो उससे मुराद एक बजने वाली मिट्टी। हम कहते हैं गारे को, गारा, और मसनून कहते हैं बदबूदार। तो जब मिट्टी और रेत को जमा करके आपने देखा होगा मजदूर गारा बनाता है, सीमेंट का एक गारा बनाता है, तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें हीक सी पैदा हो जाती है, समझ गए? और अगर ये खुश्क हो जाए यही सीमेंट, तो इस पर आप चप्पल रखे तो आवाज़ सी पैदा होगी इससे। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक है, पूरी कायनात की हर किस्म की मिट्टी को लेकर के एक गारा बनाया गया, और वो गारा खुश्क हुआ, उस खुश्क गारे से इनके जिस्म को बनाया गया, समझ गए? हमने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को उस बजने वाली मिट्टी से जो बदबूदार गारे से थी। वल जान खलकना हु मिन कबलो, जान के नीचे लिखे अबुल जिन, जैसे आदम अलैहिस्सलाम किन के बाप हैं? इंसानों के। तो इसी तरीके से एक है जान, वो जिन्नात के बाप है। वो क्या है? तो इंसानों के बाप मिट्टी से बने, तो जिन्नात के बाप किससे बने? फरमाया वल जान न खलकना हो, और जान को यानि अबुल जिन को हमने पैदा किया। मिन कबलो, इंसान से भी पहले। किससे पहले? इंसान से पहले उनको पैदा किया। मिन नारिस समूम, लू की आग से। किसकी आग से? उस आग से जो लू की तरह थी। लू जानते? बाज दफा हम कहते हैं ना आज लू चल रही है, लू। तो जो लू की तरह थी, लू। फर्क क्या है दोस्तों? हाशिए पर लिखे आम आग में धुआं होता है। आम आग जब जलती है ना उसमें क्या होता है? धुआं होता है। लू में धुआं नहीं होता दोस्तों, गर्माइश सख्त होती है लेकिन धुआं नहीं होता। तो फरमाया अबुल जिन को हमने पैदा किया इससे पहले ऐसी आग से जो लू वाली थी, यानी उसमें धुआं नहीं था। वइस काला रब्बुका लिल मलाइका, लिखे तफसील खल्क़े आदम, तफसील खल्क़े आदम, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तफसील। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी खालिकुम बशरन,
मैं बनाने वाला हूँ इंसान को मिन सलसालिन, बजने वाली मिट्टी से, मिन हमईम मसनून, जो बदबूदार गारे की है। फैज़ा सवैतुहु, बस जब मैं उसे पूरा बना लूँ, जब मैं उस बशर अव्वल को पूरा बना लूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और उसमें फूंक दूँ मिन रूही, अपनी तरफ से रूह को, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो गिर पड़ना उसके सामने सिजदा करते हुए। समझ गए? फसजद अल मलाइका, इससे पहले महजूफ निकालेंगे दोस्तों, महजूफ। फखलकहु फसवाहु फसजदा, फखलकहु फसवाहु, फिर अल्लाह ने उनको बना लिया, फसवाहु, फिर उनको बिल्कुल ठीक ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। जब सब हो गया, फसजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम मजमाउन, सब के सब फरिश्तों ने उनको सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय किसके? इबलीस के। इबलीस फरिश्ता नहीं है, लेकिन इबलीस उनके साथ रिहाइश और मुजालसत रखता था। किन के साथ? फरिश्तों के साथ, इसलिए हुक्म में ये भी शामिल हुआ। समझ में आ गई? तो इससे ये नुक्ता निकाला हमारे बुजुर्गों ने कि जो किसी की सुहबत में रहता है तो वो उनके हुक्म की जद में आता है, चाहे वो उनमें से नहीं हो। तो लिहाजा बाज़ दफ़ा एक कमज़ोर आमाल वाला आदमी नेक लोगों की सुहबत में बैठ जाता है ना, और कुछ देर के बाद कोई कहे आके उन नेक लोगों से कि चलें हजरत, आप हजरत का दस्तरखान लग गया, तो वो तो बड़े लोगों का था, लेकिन वो जब जाते हैं तो वो इसको कहते हैं, आइए भाई आप भी हमारे साथ आए, तो चला गया ना, उस हुक्म के अंदर आ गया ना, काम हो गया। या इसके उलट ले लें कि एक जगह पर बुरे किस्म के लोग बैठे हुए थे, नशा मशा कर रहे थे, और एक शरीफ आदमी भी कुछ देर के लिए जाके बैठ गया, कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ियाँ आई और सब को पकड़ धकड़ शुरू हो गई। तो वो तो जो नशई थे वो तो मुजरिम थे, लेकिन ये नेक आदमी भी बेचारा क्या हुआ, उनकी जद में आके चला गया। तो इससे नतीजा क्या निकला कि किन की सुहबत इख्तियार की जाए, सालिहीन की या नशईयीन की? जी नशईयीन की नहीं, सालिहीन की। समझ गए ना? वरना तो यहां दस्तरखान है और वहां पर क्या है? पुलिस स्टेशन है। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा यकून मअस्साजिदीन, उसने इनकार किया इस बात से कि वो सिजदा करने वालों के साथ हो जाए। कहा मैं क्यों सिजदा करूं? قال يا ابلیس زجر, अल्लाह ने फरमाया, ए इबलीस मालका अल्ला तकून मअस्साजिदीन, तुझे क्या हुआ कि तू सिजदा करने वालों में से नहीं हुआ? قال لم اكن لاسجد, लिखे सबब इबा यानी सबब इनकार। इनकार का सबब क्या है? इबलीस ने कहा, लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उस बशर को सिजदा कर लूं। खलक़तहू मिन सलसालिम मिन हमईम मसनून, जिसको आपने एक बजने वाली मिट्टी से बनाया जो बदबूदार गारे की थी। قال فخرج منها, अंजाम इस्तिकबार, अंजाम इस्तकबर का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, फखरुज मिनहा, निकल जाओ इनसे, इनसे निकल जाओ। फइन्नका रजीम, बेशक तू क्या है? मर्दूद है। तू क्या है? मर्दूद है। इसलिए फरमाया, शुद्ध अजीज आदम चू इस्तिग़फ़ार करद, ख्वार शुद्ध शैतान चू इस्तिकबार करद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ज़ बन गए जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया, और इबलीस क्या हो गया? ख्वार हो गया, जलील हो गया जब उसने क्या किया? तकब्बुर किया। वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और बेशक तुझ पे लानत है इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक। क़ाल रब्बि, लिखे मुतालबा इमहाल, मुतालबा। इसने जब देखा कि मैं तो महरूम हो गया, रांदे दरगाह हो गया, तो चलो चलते चलते अल्लाह से कुछ तो ले लूँ, कुछ तो ले लूँ। इसलिए कहते हैं ना, वो जिसको सजा दी जाए तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है। इसको पता था कि अब तो जा रहा हूँ, तो कहा कि अल्लाह एक ख्वाहिश है। قال ربي, कहा ए मेरे रब, फानजिरनी,
मुझे मोहलत दे दीजिए इला यौम युबासून, उस दिन तक जब लोगों को उठाया जाएगा। नीचे लिखे यानी नफ़ाए सानिया तक, नफ़ाए सानिया तक मुझे मोहलत दे दें। तो मकसद अपने आप को किससे बचा रहा था? मौत से। मौत इस बीच में आएगी दोस्तों, नफ़ाए ऊला पर सब पे मौत आएगी, नफ़ाए सानिया पर सब मौत से उठेंगे। तो इसने किस चीज तक मोहलत मांगी? नफ़ाए, ताकि मुझ पर मौत ना आए, इस चीज से बच जाऊं ना। काला, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन, लिखे इजाबत नाक़िसा, दुआ तो कबूल हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई लेकिन इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मुकर्रर के दिन तक, लिखे यानि नफ़ाए ऊला तक, नफ़ाए ऊला तक। काला रब्बी बिमा अग़वैतनी, लिखे इजहार अदावत, कहने लगा ए मेरे रब बिमा अग़वैतनी, बस सबब इसके कि आपने मेरी गुमराही का फैसला किया। लौज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्ज़, मैं ज़रूर भी ज़रूर इन लोगों के लिए मुज़य्यन करूँगा, लहुम के नीचे लिखे अलमासी, गुनाहों को इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा इस ज़मीन में। वलाउग़वियन्नहुम अजमईन, और इन सब के सब को गुमराह कर दूंगा। देखिए दावा बहुत बड़ा किया कि सब इंसानियत को क्या कर दूंगा? गुमराह। लेकिन फिर एहसास हुआ कि छोटा मुंह है और बड़ी बात कह गया हूं, कर नहीं सकूंगा। तो लेके झूठ उससे भी वो नहीं हुआ कि इतना बड़ा खुला झूठ बोल दूं। फौरन का इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके वो बंदे जो उनमें से मुखलसीन मुंतखब होंगे, जो आपके मुंतखब मुकर्रब मुखलिस चुने हुए बंदे होंगे ना नेक, अब वो मेरे काबू में नहीं आएंगे। काला अदा सिरातुन अलै या मुस्तकीम, लिख के इरशादे खुदावंदी, इरशादे खुदावंदी, हाजा सिरातुन अलै या मुस्तकीम। असल में इबारत इस तरह बनेगी दोस्तों, आशिये पर लिखें हाजा सिरातुम मुस्तकीमुन मूसिलुन इलैया, मूसिलुन इलैया, यही सीधा रास्ता मुझ तक पहुंचने वाला है। समझ गए? ये जो चुने हुए बंदे होंगे ना, इन्हीं का ये सीधा रास्ता मुझ तक पहुंचने वाला है। इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे इन बंदों पर तुझे कोई तसल्लुत नहीं होगा। सुल्तान तसल्लुत गलबा, अल्लाह ने फरमाया मेरे इन खास बंदों पर तेरा कोई तसल्लुत नहीं होगा। इल्ला मन इत्तबअक मिनल गाविल, मगर जो तेरी इत्तिबा कर ले गुमराहों में से। व इन जहन्नम लिखे तख्वीफ उखरवी, और बेशक जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, उन सब के सब के लिए वादे की जगह है जो गुमराह किस्म के लोग होंगे, शैतान का पल्ला पकड़ के चल रहे होंगे। फरमाए जहन्नम उन सब के वादे की जगह है। ला सबअतु अबवाब, लिखे कैफियत जहन्नम, जहन्नम के सात दरवाजे हैं। लिकुल्ले बाब मिनहुम, उसमें से हर दरवाजे के लिए जुज उम मकसूम, एक हिस्सा है मकसूम उन बांटा हुआ कि इससे 3 करोड़ ने जाना है, इससे 2 अरब ने जाना है, इससे इतने ने जाना है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व उयून, लिखे बशारत, बेशक जो मुत्तकीन होंगे वो बागात में होंगे। व उयूनिन, और पानी के चश्मों में होंगे। उदखुलूहा, इससे पहले लिखे युकालु लहुम, युकालु उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इन जन्नतों में। बिसलामिन, सलामती के साथ, सलामिन के नीचे लिखे फिलहाल, अभी दाखिल होते हुए भी बिल्कुल सलामती है। और आमिनीन, अमन के साथ लिखे फिल इस्तकबाल। समझ में आ गए? अभी भी सलामती के साथ, क्या मतलब? दुनिया में अब मिसाल के तौर, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये कैंटीन है, छोटी सी ना, ये अब्दुर्रहमान वाली। अब इस कैंटीन में लाइन लग गई तो तलबा देखते हैं भाई आलू के समोसे जो है एंड पे जा रहे हैं, जा रहे जा रहे जा रहे, ख़त्म हो रहे हैं। तो शरारती तालिब इल्म क्या करता है? पीछे से धक्के मारते हैं, धक्के मारते हैं ना, ताकि लाइन आगे पीछे हो जाए। तो दुनिया में तो अगर 20 से 25 अफराद हो जाए तो सलामती ख़त्म हो जाती है, कोई यहाँ धक्का है, कोई वहाँ धक्का है। तो जन्नत में ये नहीं होगा कि धक्कम पी लोगे, एक जन्नती वहाँ गिर गया, एक यहाँ गिर गया, नहीं नहीं,
सब तरतीब के साथ, और फिर आमिनीन, वहाँ भी अमन होगा। ऐसा नहीं है कि अंदर जाने के बाद फिर देखा भाई दरवाज़ा बजा, कुछ लोग खड़े, उनके हाथ में एक लिस्ट है, ओ भाई आप यहाँ कहाँ गलती से, आप तो वो जहन्नम वाले थे, चलो। तो ये नहीं होगा कि फिर उसको वहाँ से उठाया और जाके। तो ये सब चीज़ें नहीं है, जो दुनिया की कमजोरियाँ हैं। وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, हम खींच लेंगे जो उनके दिलों में मिन गिल्लिन कीना होगा। देखें मुतकाबिलीन, आमने सामने, मुतकाबिलीन के नीचे लिखे हीनत तनादुम, तनादुम कहते हैं मजलिस। ये नहीं है कि जन्नती हर वक्त तख्तों पर बैठे हुए आमने सामने फारिगुल बाल होकर, नहीं। जब उनकी मजलिस लगेगी गपशप की, तो फिर बाकायदा तख्त होंगे और आमने सामने बैठे हुए होंगे। इसलिए कि एक ही लाइन में कुर्सियां लग जाए तो बात करने में मुश्किल होती है ना, तो कुछ आगे कुछ दाएं कुछ बाएं, एक हलका बनेगा। ला यमस्सुहुम फिया नसबुन, न उन जन्नतियों को उस जन्नत में कोई तकलीफ होगी। नसब के दो तर्जुमे, तकलीफ और थकान, न थकान होगी न तकलीफ होगी। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, न उन्हें उसमें से निकाला जाएगा। नब्बे इबादी, लिखे तरगीब, फरमाए खबर दे दो मेरे इन बंदों को कि इन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मैं बख्शने वाला हूँ रहम करने वाला हूँ। इसके नीचे लिखे लिल मुरीदीन, लिल मुरीदीन के माने तलबगार, जिसके पास तलब है उसको बता दें कि अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। वन्ना अजाब, लिखे तरहीब, तरहीब कहते हैं डराने को, और बेशक मेरा अजाब वो अजाबुल अलीम, दर्दनाक अजाब है। इसके नीचे लिख के लिल अनीद, अनीद किसको कहते हैं, जिद्दी सरकश को। वनब्बिहुम अन ज़ैफ इब्राहीम, लिखे नमूने तरगीब, तरगीब का एक नमूना और मिसाल, इन लोगों को बता दीजिए अन ज़ैफ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के बारे में। ये किस्सा हमने पीछे पढ़ लिया दोस्तों, फरिश्ते आए थे ना, बशक्ल इंसानी आए थे, बेटे की खुशखबरी लेके आए थे और कौम लूत के लिए अजाब का फैसला लेके आए थे, याद है। फरमाया आप इन लोगों को बताइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर। इस दखलु अलैहि, के जब वो मेहमान उनके पास गए, ये मेहमान असल में कौन थे, फरिश्ते, जब गए फ़कालू तो कहा सलामा, ऐ सल्लमना का सलामा। मुअज्जज़ लोग मुलाकात में सबसे पहले सलाम करते हैं, मुअज्जज़ लोगों का काम है, समझ में आ गए। ये अलग बात है कि आज हमने मुअज्जज़ और गैर मुअज्जज़ के मेयार क्या कर दिए, वो तब्दील कर दिए। वो एक आदमी एक दावत में खड़े होकर खाना खा रहा था, बहुत सारी दावतों में खड़े होकर लोग खाते हैं ना, तो कुर्सी पर नहीं बैठते, ये भी एक फैशन। तो खड़े होकर खाना खा रहा था, उसका एक दोस्त कुर्सी पर बैठ के खा रहा था, तो उसने उसको बुलाया भाई आके बैठ जाए यहाँ पे खाना खाए, तो उसने कहा नहीं आप खाएं खाएं। तो ये उसके पास गया, उसको कहा भाई आप क्यों नहीं बैठ रहे, तो कहा तुम्हें नहीं पता कि आजकल मुअज्जज़ लोग खड़े होके खाना खाते। तो इसने कहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने गायें बैल भैंस है वो भी मुअज्जज़ है, वो भी आजकल खड़े होकर खाते, समझ में। तो ऐसे को तैसा तो होता है, फिर उसने जवाब भी जो है वो इल्ज़ामी जवाब दिया। तो जब फरिश्ते दाखिल हुए, कालू कहने लगे सलामा, काल इन्ना मिनकुम मजलून, काल के नीचे लिख के बादा इतियानित ताम, बादा इतियानित ताम, खाना लाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इन्ना मिनकुम मजलून, मुझे तुमसे कुछ खौफ महसूस हो रहा है। वजलून क्या महसूस हो रहा है, क्यों, वो हाथ नहीं बढ़ा रहे थे ना। तो वजिलून के नीचे लिख के नफी इल्म गैब, कालू ला तौजल, फरिश्तों ने कहा आप मत डरिए, इन्ना नुबशिरु कबी गुलाम अलीम, हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं एक ऐसे लड़के की, अलीम इन, जो कि क्या होगा, इल्म वाला होगा। लिखे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत, हाँ, एक ऐसा बेटा होगा जो अलीम होगा, साहिब इल्म बनेगा। ये कमाल है गोया, औलाद के अंदर इल्म को मुंतकिल करना कमाल है। काला बशर तुमूनी, लिखे इस्तेजाब,
अब उनके लिए बड़े ताज्जुब की बात थी कि इस बुढ़ापे में औलाद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबशर तुमुनी, क्या तुम मुझे औलाद की खुशखबरी दे रहे हो? अला, अला के नीचे लिख के अयमा, इसके बावजूद कि अब मसनील के बरु के मुझ पे बुढ़ापा छा चुका है, फबी मैं तुबशरून, तो कैसे खुशखबरी दे रहे हो? कालू बशरना का बिलहक के, फरिश्तों ने कहा हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं बिलहक के, एक अमरे वाकई की, एक अमरे यकीनी बात की। फला तकुम मिनल कानितीन, लिहाजा आप नाउमीदों में से मत बनिए, नाउमीदों में से मत बनिए। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बी, कौन अपने रब की रहमत से मायूस हो सकता है? इल्ला ज़ालून, सिवाय गुमराहों के। काल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, फमा खतबुकुम, तुम्हें क्या मुहिम दरपेश है? अय्युहल मुरसलून, ए भेजे गए फरिश्तो, ए भेजे गए, ए भेजे गए फरिश्तो, तुम्हें क्या मुहिम दरपेश है? समझ में आ गई। कालू, लिखे नमूना तरहीब नंबर एक, नमूना तरहीब नंबर एक व तख्वीफ दुनियावी। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, बेशक हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ। मुजरिम से मुराद कौन सी कौम थी? कौम लूत अलैहिस्सलाम, उनकी तरफ भेजे गए हैं। इल्ला आल लूत, सिवाय लूत के घराने के, यानी उनकी जो औलाद है। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, बेशक हम उनको सबको सबको निजात दे देंगे। इल्ला इम्रातहू, लेकिन उनके घराने से भी इस्तिस्ना किया, किसको? उनकी बीवी को, का सिवाय उनकी बीवी के। क्यों? कद्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, हमने तय कर दिया है यानी अल्लाह के हुक्म से कि इन्नहा लमिनल गाबिरीन, के बेशक वो पीछे रहने वालों में से होंगी। वजह क्या थी? ये उनके साथ मिली हुई थी, कौम के साथ। फलम्मा जा आ लूतिनिल मुरसलून, फिर जब आ गए लूत वालों के पास ये फरिश्ते, قال انكم قوم منكرون, लिखे नफी इल्म गैब। लूत अलैहिस्सलाम भी नहीं पहचान सके। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम ऐसी कौम हो, मुनकरून, जो अजनबी हो। कालू बल जिना कबिल हक बिमा कानू फीही यमतरून, फरिश्तों ने कहा, बल्कि हम आपके पास लाए हैं बिमा, वो अजाब लेकर, कानू फीही यमतरून, जिसमें ये कौम शक करती है। वातैना कबिल हक व इन्ना लसादिकून, और हम आए हैं आपके पास बिल हक के, यकीनी चीज को लेकर, यानी ये अजाब यकीनन लेकर आए हैं। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं। फासरे बे अहले का बे कित मिनल लैल, बस आप निकल जाइए अपने घर वालों को लेकर, आप निकल जाइए अपने घर वालों को लेकर। बे कित मिनल लैल, रात के किसी हिस्से में, कित, रात के किसी हिस्से में निकल जाइए। वत्तबे अदबारहुम, और आप चलते जाइए इनके पीछे, अपने मानने वालों को आगे रखें, आप इनके पीछे चलिए। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे कि पीछे क्या हुआ। वमजू, और चलते रहना, हैसु तुमरून, जहां तुम्हें हुक्म दिया जाएगा। लिखे मुल्के शाम, मुल्के शाम। वकज़ैना इलैहि, और हमने भेजा, इलैहि उनकी तरफ, इलैहि के नीचे लिखे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हमने उनकी तरफ ये बात भेजी। ज़ालिकल अम्र, ये हुक्म, लूत अलैहिस्सलाम की तरफ ये हुक्म भेजा कि अन्नदाबिरा हाउला, इस कौम की जड़ मक्तून, काट दी जाएगी। मुस्बिहीना, सुबह के सुबह। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और आए शहर वाले खुशियां मनाते हुए। लिखे हिमाकत कौम लूत, हिमाकत कौम लूत। अब वो लोग जब सुना ना कि ऐसे खूबसूरत नौजवान लड़के आए, वो खुशियां मनाते हुए आ गए। काला, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हाउलाई ज़ैफी, अपनी कौम से कहा, ये मेरे मेहमान हैं। फला तफ़ज़हून, मुझे रुस्वा मत करो, यानि आवाम की नज़र में। किसकी नज़र में? आवाम की नज़र। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वला तुख़ज़ून, और मुझे शर्मिंदा न करो, लेकिन मेहमानों की नज़र में। दोनों में फ़र्क है,
मुझे शर्मिंदा ना करो किन की नजर में, मेहमानों। कालू लिखे इनाद कौम, कौम ने कहा अवलम ननहक अनिल आलमीन, क्या हमने आपको मना नहीं किया था। अनिल आलमीन, अन के बाद महजूफ निकाले, जियाफतिल आलमीन, अन जियाफत, जियाफत कहते हैं दावत इकराम, क्या हमने आपको मना नहीं किया था कि सारी दुनिया की मेहमान नवाजियां मत किया करें, हर एक को आप अपना मेहमान बनाते हैं तो फिर तो हम आएंगे। قال هؤلاء بناتي, तो चूंकि इस कौम में बदफेली का मरज था, नऊज़ु बिल्ला, मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी कर रहे थे ना, तो इन्होंने जब देखा तो कहा कि هؤلاء بناتي, देखो ये मेरी बहु बेटियां हैं, ये बेटियां हैं मेरी सारी कौम की। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम मेरी बात मानने वाले हो, यानी अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो आओ मैं इनसे तुम्हारा निकाह करवा दूं, एक जायज और फितरत के रास्ते पे क्यों नहीं आते। लामरो का इन नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, लिखे इत्खाले इलाही, क्या लिखा, अब कभी कभी अर्ज किया था ना कि क्या होगा, बीच में अल्लाह पाक अपना इरशाद रख देंगे, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि लामरो का इन नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, फरमाया आपकी जिंदगी की कसम, यानी अल्लाह पाक ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, आपकी जिंदगी की कसम, बेशक ये लोग अपनी मस्ती में, मदहोश हो रहे थे। अपनी मस्ती में क्या हो रहे थे, मदहोश हो रहे थे। एक कौल ये है कि ये लामरुका का खिताब किसको है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने फरमाया आपकी जिंदगी की कसम वो कौम अपनी मस्ती में मदहोश हो रही थी उस वक्त, समझ में आ गए। फाखजत हुमुस्सैहा, अच्छा हाशिए पर लिखे इसका ताल्लुक मक्तूउम मुस्बिहीन से है, जो ऊपर गुजरा ना, तो पकड़ लिया इस कौम को अस्सैहा, किस चीज ने, एक चिंघाड़ जोरदार आवाज ने, मुशरिकीना सूरज निकलते ही, फजअलना आलियहा साफिला, लिखे कैफियत गिरफ्त, हमने उनको जेरो जबर कर दिया ऊपर नीचे, वामतरना आलिम हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने बरसाए उन पे पत्थर, मिन सिज्जीलिन संगे गिल के, किसके, ये लफ्ज पहले आ चुका है, इसके दो तर्जुमे थे, संगे गिल या खंगर। इन नफी जाली कला या तिल मुतवस्मीन, बेशक इन वाक़ात में निशानिया है, लिल मुतवस्मीना इबरत हासिल करने वालों के लिए, व इन्ना लबी सबील मुकीम, और बेशक ये कौम बरलबे सड़क आबाद थी। सबील कहते हैं सड़क को और मुकीम कहते हैं आबाद, एक होता है ना आप अंदर अंदर जाना पड़े, एक होता है बिल्कुल सड़क के किनारे। तो अल्लाह ने फरमाया कौम लूत की बस्ती कोई पोशीदा नहीं है, वो बिल्कुल लबी सबील मुकीम, क्या है, सड़क के किनारे आबाद थी। ये मक्का वाले आते जाते देखते हैं इसको, इन नफी जाली कला आयतल मुमिनीन, बेशक इसमें निशानियां है ईमान वालों के लिए, व इनका ना अस्हाबुलैकत लज़ालिमीन, लिखे तख़वीफ़े दुनियावी का दूसरा नमूना, दूसरा नमूना, अब ये कौम लूत थी, अब एक और कौम है। व इनका ना अस्हाबुलैकत लज़ालिमीन, और बेशक थे जंगल वाले जुल्म करने वाले, जंगल वाले। हाशिए पर लिखे कि बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि अस्हाब मदियन और अस्हाबुल ऐका, ये दो अलग अलग कौमें थी, अस्हाब मदियन और अस्हाबुल ऐका जंगल वाले, ये दो अलग अलग कौमें थी, लेकिन दोनों की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम गए, दोनों की तरफ कौन गए, तो फरमाए बेशक जंगल वाले जुल्म करने वाले थे, फन तकमना मिनहुम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया, व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, और बेशक ये दोनों कौमें, हुमा तस्निया है ना, ये दोनों कौमें, हुमा के नीचे लिखें कौम लूत व शुएब, कौम लूत व शुएब अलैहिस्सलाम, ये दोनों कौमें लबी इमाम मुबीन, वाजह सड़क पर थी किनारे,
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ لِكَ تَخْوِيفِ دُنْيَوِي کا تیسرا نمونہ. حاشیے پر لکھے کہ حجر یہ ایک وادی ہے شام اور حجاز کے درمیان، شام اور حجاز کے درمیان، اور تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے المرسلین اپنے بھیجے ہوئے رسول، اپنے پاس آئے ہوئے رسولوں کو. اب اس قوم کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ یہ کون سی قوم ہے، سمجھ میں آگئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو کیا کیا، جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنَا مِنِ لِكَ بَيَانِ استحکام. اور یہ قوم کیا کرتی تھی، تراشتی تھی من الجبال پہاڑوں سے گھروں کو، آمنین حالت امن میں، پہاڑوں میں گھر تراشتی تھی خود امن اطمینان کے ساتھ. فاخذتهم الصيحة مصبحين ان کو پکڑ لیا ایک زوردار آواز نے صبح کے وقت میں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ان کے کچھ کام نہ آیا، ما لکھے وہ ہنر دنیاوی، وہ ہنر، وہ دنیاوی ہنر ان کے کچھ کام نہ آیا. کانو یکسبون جو یہ کیا کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض لکے دلیل عقلی نمبر دو، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق ای بے اظہار الحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لِكَ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي اور بے شک قیامت تو آ کر رہے گی، قیامت تو آ کر رہے گی. سن لیں. فصفح الصفح الجمیل لکھے تسلی خاتم الانبیاء نمبر ایک، تسلی خاتم الانبیاء نمبر ایک. قیامت آ کر رہے گی لہذا فصفح الصفح الجمیل آپ ان سے درگزر کیجئے اچھے انداز سے. صفح جمیل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس میں دوستی تو ختم ہو لیکن سامنے والے کو ملامت نہ کریں. چلے گئے. تو ان سے درگزر کیجئے کس انداز سے؟ اچھے انداز سے. ان ربک هو الخلاق العلیم لکھے علت، بے شک آپ کا رب هو الخلاق پیدا کرنے والا ہے. نیچے لکھے ساری کائنات کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، العلیم جاننے والا. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، تسلی نمبر دو، یقینا ہم نے آپ کو دی، سبعا من المثانی وہ سات آیتیں، من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، والقرآن العظیم یعنی جو کہ قرآن عظیم ہے. اس کے نیچے لکھے سورة الفاتحہ. تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں؟ سات، اور بار بار پڑھی جاتی ہے. اور چونکہ یہ قرآن کریم کا پورا ایک خلاصہ ہے اس لیے اس کا ایک نام قرآن العظیم بھی ہے. سمجھ میں آگئی؟ لا تمدن عینک، لکھے تنبیہ رسول، آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی مت دیکھیں، الہ اس سامان کی طرف، ما متعنا بھی جس کے ذریعے سے ہم نے ان کافروں کو فائدہ پہنچایا، ازواجا منہم بہت ساری قسموں کا سامان، منہم ان کفار میں سے. اللہ دنیا میں کافروں کو قسمہ قسم چیزیں دیتے ہیں دوستو، جیسے آج کے کافر کے پاس گاڑیاں عجیب ہے، گھر عجیب ہے، لباس عجیب ہے، چیزیں عجیب ہے، حکومتیں عجیب ہیں، تو ہم رال ٹپکاتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں، ہے نا. تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کے واسطے سے اس امت کو تنبیہ کی کہ ہم نے جو مختلف قسموں کی چیزیں ان کو دی ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو. کیا اٹھا کر؟ نگاہ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ لِكَ تَسَلِّي نمبر تین، آپ ان پر غم مت کھائیں. وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ نرم رکھیں اپنے پہلو کو ایمان والوں کے لیے. پہلو کو کیا کر دیں؟ نرم رکھیں. جیسے کوئی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہے تو اچھا دوست کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ سہارا لے لیں.
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ لِكَ فَرِيزَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ اور آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں المبین کھل کر ڈرانے والا ہوں کما انزلنا علی المختصمین لکھے تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ متعلق با اہل مکہ تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ متعلق با اہل مکہ کہتے ہیں مکہ میں سردار تھا ولید اس نے 16 آدمی مقرر کیے تھے کتنے 16 اور ان کو مکہ کے راستوں پہ بٹھایا تھا حج کے موسم میں اور ان سے کہا تھا کہ جو بھی باہر سے حج کے لیے آئے تو ان کی ذہن سازی کرو اور ان سے کہو کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے ساحر ہے اور وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے اس کے قریب مت جانا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا کیا تھا راستے بانٹ دیے تھے تو مختصمین بانٹنے والے فرمائے کما انزلنا علی المختصمین جیسا کہ ہم نے اتارا یعنی عذاب کو ان لوگوں پر المختصمین جو راستہ بانٹنے والے ہیں الذین جعلوا القرآن عزین جنہوں نے کر دیا قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے قرآن کریم کو کیا کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو قرآن کو کبھی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے قصے ہے کہانیاں ہے کبھی کہتے تھے یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے الگ الگ رائے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان سے پوچھیں گے کہ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ کیا کرتے تھے فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ لِكَ فَرِيزَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ آپ ڈٹے رہیے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس پر ڈٹے رہیے اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ان مشرقین سے اعراض کریں ان پر وقت ضائع نہ فرمائیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ لکھے تخویف دنیاوی کا پانچواں نمونہ اور تسلی نمبر 4 بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے سمجھ گئے کہتے ہیں یہ مکہ میں 5 آدمی تھے جو مذاق اڑاتے تھے قرآن کا ایک بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں بھئی اس کتاب میں کیا ہے کہتے ہیں بقرہ ہے گائیں دوسرا کہتے ہیں اس میں مائدہ ہے تیسرا کہتا تھا اس میں عنکبوت ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی بقرہ تو میری ہو گئی مائدہ اس کی ہو گئی عنکبوت اس کو دے دیں گے یہ ایک مذاق اڑاتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری طرف سے کافی ہوں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں فسوف يعلمون عن قریب جان لیں گے ولقد نعلم لکھے تسلی نمبر 5 یقیناً ہم جانتے ہیں کہ انک یضیق صدرک کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون ان کی باتوں سے انسان ہے بھائی اتنی محنت کرے پھر بھی سامنے سے لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کریں فرمایا آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے تو فسبح بحمد ربک لکھے علاج حزن و اصول کامیابی علاج حزن فسبح بحمد ربک فسبح کے نیچے لکھے علاج نمبر 1 آپ تسبیح پڑھیے بحمد ربک لکھے نمبر 2 اپنے رب کے حمد کی وکم من الساجدین اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نماز وَعْبُدْ رَبَّكَ نمبر 4 اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ کی عبادت کب تک چلے گی موت تک ایسا نہیں ہے دوستوں کہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس میں عبادت کیا ہو جاتی ہے معاف جیسے بعض یہ فراڈی قسم کے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا فراڈی قسم کے بڑی بڑی مونچھے بڑے بڑے بال بدمعاش قسم کے تو وہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتے تو جب ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے ساتھ بیعت بھی نہیں کرو ان کے لیے سب کچھ کیا ہو چکا ہے معاف ہو چکا ہے سمجھ میں آگئے ان پر سب کچھ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر پہ نہیں ہوا صحابہ پہ نہیں ہوا اور اس للو پنجو پر ہو گیا سمجھ گئے چلیں آگے بیانات ہیں تو اس لیے اچھا انشاءاللہ دیکھیں
कल अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगा और कल बाद मगरिब तकरीब है ना, तो तकरीबन मेरे ख़्याल में कितना रह गया, सवा पारा बाकी है, सवा पारा बाकी है। तो थोड़ा सा आज पढ़ लिया जाए इतना कि कल सुबह फिर ख़त्म हो जाए ना, तो कौन सा वक्त आप दे सकते हैं? ईशा के बाद तो मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब वो वक्त किसी और को दें। जी बाद मगरिब आ जाएंगे, मगरिब के बाद एक सवा घंटा होता है ना, मगरिब के नमाज यहीं पढ़ लें इंशाल्लाह, मगरिब के बाद हम लोग पढ़ लेंगे और ईशा के बाद फिर मुफ्ती साहब पढ़ा लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह मगरिब में आ जाए। लेकिन बनात मस्तूरात ना आए वो ऑनलाइन सुनने का एहतमाम कर लें, वो कल सुबह अपने वक्त पर आ जाए। लेकिन कल मगरिब के बाद इंशाल्लाह इख्तितामी तकरीब और दुआ है, उसमें तमाम मस्तूरात बनात सब ने पाबंदी के साथ पहुँचना होगा, ठीक है? आप लोग वक्फा करें, बयान है ना, बयान है ना।